Hey everyone, this is Ajim into Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Hollywood. Swagat hai aap sabhi ka aaj ke session mein. So today the result declared for IBPS PU and clerk, and whosoever qualified it, I wish you people a very 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 good luck for your future. May you people achieve even greater heights. I hope aap log aur bhi kuch bahut zyada kuch achieve kar sako. एंड बिसाइड जिसका नहीं हुआ है, यू शुड नॉट बी होपलेस नाउ कि मेरा नहीं हुआ अब क्या होगा और एनीथिंग. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये एंड है और इसके बाद से कुछ नहीं होना है. नहीं, ये इनिशियली आपने अभी कुछ शुरू किया है. बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत दिन से ट्राई किया था पर अभी उनका नहीं हुआ, तो इट डजेंट मीन कि हम लोग उसे सोचकर होपलेस हो जाएं कि क्या हमारा कभी नहीं होगा और एनीथिंग लाइक दैट. हमें अपने आप को होपफुल रखना होगा कि नहीं, आगे आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू डू इवन बेटर. ओके, सो थोड़ा होपफुल रहो, खुश रहो, बिकॉज आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होने वाला है. दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर आप लोग खुद पे अपनी क्या करते हो, विश्वास रखते हो. अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना हमारे लिए कुछ भी. ओके, सो बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि मैम बहुत सारे फेलियर्स के बाद वी हैव फाइनली पास इट. ओके, तो ज़रा सोचो कि उन लोगों ने कितना कुछ फेस किया है उसके बाद वो लोग आज फाइनली पास कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को, तो बहुत बड़ी बात है ना उनके लिए. ऐसे मे भी आज तुम्हारा ना हुआ लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल हो जाएगा. बस लगे रहना, हमें छोड़ना नहीं है. ये नहीं सोचना है कि अब क्या होगा और क्या हम लोग कभी कर भी पाएंगे, ऐसे कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए, बिकॉज ये तो थॉट्स हमारे लिए अभी अलाउड ही नहीं है. ऐसा कोई थॉट आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक चांस दे रहे हैं डिमोटिवेट होने का, अपना टाइम वेस्ट करने का. सो वी डोंट हैव टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, एनी वे, सो दोज हू एवर हैव क्वालिफाइड इट टुडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पीपल एंड आई होप कि आप लोग और भी सारा कुछ अचीव करो जो भी आप लोग चाहते हो. ओके, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आई नो ये थोड़ा सा आपको लगता होगा अभी फर्स्ट ऑफ अप्रैल आया और आज मैम लेके आके बैठ गई एकदम से. ओके, सो मुझे क्या लगा कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ अप्रैल को ही अगर ये सब डिस्कस कर लेते हैं तो फिर थ्रू आउट द मंथ हमारी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी अपकमिंग इवेंट्स की, है ना. इसलिए मैंने सोचा कि आज ही क्यों ना हम लोग डिस्कस कर लें. आखिर में मार्च तो गया और मार्च के क्वेश्चंस करने होते हैं. चलो किधर हैं सब लोग, इधर हैं सब लोग. इट्स ओके, डिप्रेस मत हो यार, ठीक है, चलता है, सब होता रहता है. अच्छा बुरा सबकी लाइफ का एक पार्ट है, होता है, बट खुश रहो, बस खुश रहने की आदत डाल लो. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पहले आया करते थे सेशन में, लाइक इफ़ यू ऑल रिमेंबर एनोश, शुभम, हर्षद, ऑल दीज पीपल हैव बीन क्वालिफाइड दिस ईयर. सो एक बहुत बड़ा जो रीज़न होता है वो ये भी होता है कि आप लोग सेशन में कितने रेगुलर हो. ओके, अगर आपकी सेशन के अंदर रेगुलरिटी है तो आई होप कि आप लोग इससे क्या कर लोगे, इवेंचुअली आप लोग क्वालिफाई करने वाले हो. ठीक है, सो ट्राई टू बी रेगुलर इन ऑल द सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज ये स्टूडेंट्स ऐसे थे जो डेली आते थे, 10 PM की करंट अफेयर्स भी कर रहे थे, सारी क्लासेस कर रहे थे एंड नाउ सी दे आर सेलेक्टेड, तो बहुत अच्छी चीज़ है ना. सो वी शुड ऑल ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लासेस, क्लास करते चलो, इवेंचुअली होना ही होना है क्योंकि हम कोई ऑप्शन ही नहीं देते अपनी फेलियर का, इज़न्ट इट. चलो दोस्तों देखो, अच्छा देखो एक बहुत अच्छा अभी ऑफर आ रखा है ऑलिव बोर्ड के एंड से. ये आपका 1st to 4th April तक अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो. इसमें वैलिडिटी 2 times होंगी प्लस 20% ऑफ आपको एक एडिशनल मिलेगा. यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हो जैसे आप लोग देख सकते हो वैलिडिटी आपकी 6+6 और 12+12, यानी अगर आप लोग 6 months की वैलिडिटी ले रहे हो तो एडिशनल 6 months की, 12 की ले रहे हो तो एडिशनल 12 की आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस पर्टिकुलर ऑफर के अंदर. लाइव क्लास, PDF, लाइव प्रैक्टिस सेशन, डाउट क्लियरिंग, टेस्ट सीरीज, ये सब मिलने वाला है. ठीक है, ये आपका पूरा पूरा अवेल कर सकते हो आप लोग 1st to 4th of April. अगर अभी आप लोग कोर्स लेते हो तो आप लोगों को मिलेगी, वैलिडिटी डबल होगी प्लस आपका एडिशनल 20% ऑफ होगा. ओके, सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और चाहता है फिर से शुरू करना, यू कैन स्टार्ट इट. यू विल हैव टू यूज़ दिस कोड सुष्मिता, इसको यूज़ करोगे तो आप लोग को ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी. ओके, एनीवे, अब हम लोग चलते हैं अपनी सेशन की तरफ. कब से जीके डेली करें, अभी से करना शुरू कर दो, आज से करना शुरू कर दो, कब से कर सकते हो, है ना. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कुमुद बेन मणिशंकर जोशी पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, आपसे पूछा जा रहा है कि कुमुद बेन मणिशंकर जोशी जी की अभी अभी मृत्यु हुई है, ठीक है, ये फॉर्मर गवर्नर कौन से स्टेट की थी. ऑप्शंस हमारे सामने, ठीक है, सी ग्रेट. सो फर्स्ट आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम रेसर हेल, ही इज आंसरिंग आंध्र प्रदेश. एनीवन एल्स, ज्योति इज ऑल्सो आंसरिंग नारायण कौशल, एवरी वन इज आंसरिंग ग्रेट. सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश.
कुमुद बेन मणिशंकर जोशी जो कि फॉर्मर गवर्नर थे आंध्र प्रदेश के और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, इनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। सी सर्व्ड एज द यूनियन डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम 1980 टू 1982 एंड एज यूनियन डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, सो ये भी हम लोगों को याद रखना होगा फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर ही सर्व्ड एज यूनियन डिप्यूटी मिनिस्टर एंड यूनियन डिप्यूटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बिकॉज इन दीज डेज दे आर ऑल्सो आस्किंग यू क्वेश्चन कि ये पर्टिकुलर अवार्ड इन्हें कब बेस्टो किया गया था या इस पर्टिकुलर पोस्ट को इन्होंने कब से कब तक सर्व किया था, तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, एनी वे मूविंग टू नेक्स्ट। United Nations General Assembly has adopted a resolution to observe the International Day to Combat Islamophobia every year on when? 15th of March, 16th of March, 17th of March, 18th of March or 19th of March? हाँ, so now as you all can see here, जैसे आपसे question भी पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया हर साल कब मनाया जाएगा, इसको हर साल 15th ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये 193 मेंबर्स की अपनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने इसको अभी अभी रेजोल्यूशन पास कर दिया और बोला है कि हर साल 15th ऑफ मार्च को हम लोग इसे अपने एंड से ऑब्जर्व करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 18th ऑफ मार्च को याद रखिएगा, अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वेस्ट एंड एवरीथिंग न्यूज़ में रह रहा है, तो 18th को आपका क्या होता है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब होता है, 18th को। ठीक है, तो इसको भी जरा ध्यान रखे रहना, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लो, हु इज द ऑथर ऑफ ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ राहुल बजाज टाइटल्ड राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, मिथिलेश तिवारी, गीता पिरामल, दीपम चटर्जी, अमिताभ कुमार और अभिनव चंद्रचूड़, व्हाट इज द आंसर? तो अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं, अब आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम ज्योति, नो सॉरी, विनोदिनी, रेसर, ज्योति, अमन, एल्वा, दीज पीपल आर आंसरिंग। देखो, ऑथर ऑफ द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ राहुल बजाज टाइटल राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ये करने वाली आपकी गीता पिरामल जी हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑथराइज्ड बायोग्राफी टाइटल राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑथर्ड बाय गीता पिरामल विल बी लॉन्च्ड ऑन 21st ऑफ मार्च 2022 व्हिच हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड। The book is based on the life of late iconic industrialist Rahul Bajaj. It highlights his life journey. Okay, so you'll have to remember कि इन्होंने जो लिखी है वो किसकी बायोग्राफी है प्लस ये किसने लिखी है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो आप लोग, वाइस वर्सा टर्म में आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखो, नेम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च बाई द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इन न्यू डेली। होंडा क्लैरिटी, मर्सिडीज बेंच, टोयोटा मिराई, ह्युंडई नेक्सो और फोर्ड फोकस FCV। ओके, सो अब अगर हम लोग देखते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी जी के द्वारा, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्वाइट इट वॉज इन न्यूज, तो ये आप लोगों को गलत नहीं बताना चाहिए। द आंसर हियर विल बी टोयोटा मिराई। ठीक है, देखो अभी अभी इन्होंने लॉन्च किया था और इसकी जो खास बात थी वो यही थी कि ये पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल थी। ओके, अच्छा, जैसे अब ये वर्ड आ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल या जो हाइड्रोजन आ रहा है, तो जब आप लोग डेली क्लासेस करनी शुरू करोगे, लाइक जो हमारी 10 PM की क्लास होती है इसको डेली करोगे, यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस क्लास को अगर नहीं कर रहा हो, करना है स्टार्ट कर दो, बिकॉज उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, 10 PM डेली बेसिस पे होती है, बिकॉज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पूरे मंथ की एक रिविजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक साथ में मैं आपके मतलब एक एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग सब डिस्कस नहीं कर सकते, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो बेटर स्टार्ट डूइंग दिस क्लास, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटेड न्यूज एज वेल। नेक्स्ट देखो जरा, इंडियन आर्मी हैज डेडिकेटेड चेयर ऑफ एक्सीलेंस इन द मेमोरी ऑफ लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एट द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, वडोदरा, बेंगलुरु, सूरत और अहमदाबाद। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी हियर द क्वेश्चन इज, इंडियन आर्मी ने डेडिकेट किया है चेयर ऑफ एक्सीलेंस इन द मेमोरी ऑफ बिपिन रावत जी। ठीक है, कहाँ, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI, कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का PM लोगों का संग्रहालय भी शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखे रहना, और इसके अलावा बिपिन रावत जी के लिए जो चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाई जा रही है इनकी याद में, ये भी आपका यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली में होगा। ओके, और ये कब किया गया है, इसको किया गया है बिपिन रावत जी के 65th बर्थडे एनिवर्सरी पर। ओके, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 31st
जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। रिजवाना हसन, दीपक धर, अन्नपूर्णा देवी, नारायण प्रधान, नीना गुप्ता। वेयर टू गेट द पीडीएफ? यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप GSEA by सुष्मिता मैम। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? GSEA by सुष्मिता मैम यहाँ पे मिल जाएगी, इसे ज्वाइन कर लेना। ओके ग्रेट। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि किसको अभी जीडी बिरला अवार्ड दिया गया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है? ये दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। और आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो एडिशन था जीडी बिरला का, ये 31st एडिशन था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस इन्हें किस फील्ड में दिया गया है, इन्हें मटेरियल साइंसेज में दिया गया है। ओके, तो ये पॉइंट्स को जरा ध्यान रखो। अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ निसान इंडिया। ओके, निसान इंडिया के प्रेसिडेंट अभी किसे चुना गया है? तकुया सुमुरा, फ्रैंक टॉरेस, सियोन सियो किम, सिनाक ओस्को, हाइले मैथ्यूज। क्या आंसर है? हाँ, सो एज वी ऑल कैन सी हियर, आई एम गेटिंग आंसर्स एज फ्रैंक टॉरेस। देखो भाई, जैसे हम देख सकते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ निसान फ्रैंक टॉरेस, इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट निसान इंडिया का, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2022। ये किसकी जगह पर अपॉइंट किए गए हैं? सिनान ओस्को, ठीक है? तो ये याद रखे रहेगा, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन हिज प्लेस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी कि ही सक्सीडेड हुम और हु वॉज द प्रीवियस वन। आपको पूरा पूरे स्टेटमेंट में इनका नाम देकर पूछ लिया जाएगा ऐसे। ओके, एनीवे, ये भी याद रखिएगा, ही हैज़ ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एज रीजनल डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इन MEO रीजन। MEO क्या होता है? अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इंडिया, यूरोप एंड ओशानिया, ये आपका MEA होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। रवि चोपड़ा, इट्टिरा डेविस, रमेश मूर्ति, गीता मित्तल और विनीत जोशी। ओके, देखो बच्चों, अब आपसे क्या पूछ रहा है ना, कि किसको नया CFO बनाया गया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, ये किसको बनाया गया है? देखो यहाँ पे, देखो आपसे CFO पूछा है, ठीक है? चीफ की बात नहीं की जा रही है, CFO पूछा जा रहा है, ठीक है? तो देखो जरा, रमेश मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया था नया CFO उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। CFO जो है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये फॉर्मुलेट करेंगे और बैंक की स्ट्रेटेजी ग्रोथ के लिए फॉर्मुलेट करना होगा इन्हें, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता कि उज्जीवन के चेयरमैन कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाता? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता हु इज द चेयरमैन ऑफ उज्जीवन, ठीक है, ये आपके घोष साहब हो जाते। लेकिन अगर आपसे CFO की जगह पे CEO पूछ लिया जाता है, MD CEO, तो ये आपके इट्टिरा डेविस, ठीक है? तो इस तरीके से ध्यान रखे रहना। चलो अगला देखो, कौन सी IIT ने ज्वाइन किया है RBI इनोवेशन हब को, ताकि ये मिल करके डेवलप कर सके इकोसिस्टम जो हमारे वहाँ पे फिनटेक स्टार्टअप्स को स्केल करने के लिए जरूरी है? IIT दिल्ली, गुवाहाटी, बॉम्बे, मद्रास और रुड़की। हाँ, सो अब जैसे आपसे पूछ रहा है कि अभी अभी जो RBI इनोवेशन हब क्या है, ये RBI की 5th सब्सिडियरी होती है, ठीक है? इसके साथ में कौन सी IIT ने कहा है कि डेवलप करेंगे इकोसिस्टम जो कि हमारे फिनटेक को स्केल अप करने में जरूरी है? ये करने वाले आपकी IIT मद्रास है, कुछ दिन पहले की खबर है ये। इंडिया की लीडिंग स्टार्टअप हब स्पेयर हेडेड बाई IIT मद्रास, इन्होंने मिलकर के कहा है कि ये लोग साथ में वर्क करने वाले हैं। अगर मैं आपसे RBI हब की बात करती हूँ, तो फिलहाल में यहाँ पे चीफ कौन होते हैं? राजेश बंसल साहब, तो इन्हें भी जरा ध्यान रखे रहना। ओके, ये आपके 5th सब्सिडियरी है RBI की, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? के गोपाल कृष्णन को, जो कि सबसे पहले चीफ बनाए गए थे RBI हब के, ठीक है? तो इन्हें भी ध्यान रखे रहना। अगला देखो जरा, होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन हैज़ राइजन टू वॉट इन Feb 2022। WPI इन्फ्लेशन जो है अपने वहाँ पर, ये Feb 2022 में बढ़ करके कितना हो गया था? ऑप्शंस देखिएगा क्या है, 9.21, 10.49, 11.74, 12.96, 13.11। सो आई एम गेटिंग आंसर सेज 13.11, सब मुझे यही बता रहे हैं। ओके ग्रेट, देखो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये क्या हुआ था, इसका जो रेट था ये 13.11% तक बढ़ गया था फेब में,
देखो जैसे हम लोग के वहाँ पे क्या होता है, तीन तरीके से हम मेजर करते हैं। एक अपना होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, एक सीपीआई होता है और एक आईआईपी होता है, ठीक है। तो जो बेसिक मेजरमेंट होती है वो हमेशा सीपीआई पे होती है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में भी हम लोग मेजर करते हैं। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट WPI, दैट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो एक दो बातों को हम लोग को यहाँ ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये होता है कि WPI का बेस ईयर क्या होता है। क्वेश्चन बनते हैं कि वॉट इज द बेस ईयर ऑफ WPI। हाँ, एनी वन हु कैन टेल मी, याद रखिए रहेगा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट WPI, सो द बेस ईयर हियर विल बी 2011 एंड 12। WPI से जो हम लोगों को इन्फ्लेशन का रेट पता चलता है वो कभी भी रिटेल का नहीं पता चलता है, वो हमेशा होल सेल वालों का पता चलता है। और ये बहुत बड़ा रीज़न था दैट इंडिया स्विच फ्रॉम होल सेल प्राइस इंडेक्स टू कंज्यूमर प्राइस वन, ठीक है। खैर, होल सेल में जो हम देखते हैं कि इनमें कितना इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो दैट वॉज अप्रॉक्स 13.11%। नेक्स्ट देखो, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, ये कितने परसेंट तक बढ़ गया था फेब 2022 में, 5.51, 5.79, 5.99, 6.01, 6.07, व्हाट इज द आंसर? देखो, अभी बहुत ही न्यूज़ में था, बिकॉज़ जो हम लोग के वहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट होता है, जनरली इन जनरल अपने वहाँ पे इन्फ्लेशन के रेट को कहा जाता है 4 ± 2% के बैंड में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 2021 से 2026 के लिए भी सेट कर दिया गया है कि अपने वहाँ का जो इन्फ्लेशन का रेट होना चाहिए 4 ± 2% में होना चाहिए, यानी कि 2 to 6% में होना चाहिए। ओके, अब इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका बेसिक मतलब यही है कि अगर कम से कम हो तो 2% हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 6 हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखा गया था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो एकदम से कितना हो गया था, 6.07%, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको कंट्रोल करके कितना रखना होगा, हमें 6% रखना होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमेशा चार तरीके के कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस्ड होता है। एक होते हैं आपके इंडस्ट्रियल वर्कर, फिर होते हैं आपके रूरल वर्कर, एक होते हैं आपके एग्रीकल्चर, और फिर होते हैं आपके अर्बन नॉन मैनुअल। ये चार तरीके के कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस करके इसे मेजर किया जाता है। खैर, फिलहाल में जो बढ़ गया था ये 6.07% था। नेक्स्ट देखो, विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ टाई अप विद एमिरेट्स स्काईवर्ड्स टू लॉन्च अ रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, बताइएगा। मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही? मुझे तो एकदम क्लियर दिख रही है मेरी वीडियो। ज्योति, और तुम अपना रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, बिकॉज मुझे, मतलब मैं अपना फोन अगर ऐसे घुमा के तुम्हें दिखाऊं भी, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हें अपना रिजोल्यूशन इंक्रीज करना चाहिए। ओके, सो देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन से बैंक ने एमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ में पार्टनरशिप अनाउंस की है ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सके। ये करने वाला आपका ICICI था, ठीक है। जो ICICI है, इन्होंने अनाउंस किया है अपना टाई अप एमिरेट्स के साथ में। एक लॉयल्टी प्रोग्राम है एमिरेट्स और फ्लाई दुबई का, एक ये लोग लॉन्च करेंगे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम क्या होगा, एमिरेट स्काईवर्ड्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ट्रैवलर्स वगैरह हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन मिल करके कर रहा है, ये ICICI एमिरेट्स के साथ में कर रही है, ठीक है। अगला देख लो ज़रा, जो 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस है ये वर्चुअली 28 से 22 मार्च तक होगा। कहाँ पर हुआ ये? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे। सो जैसे हम देख सकते हैं कि 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हुआ है वर्चुअली, कहाँ पर हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस विल बी हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम 20th to 22nd मार्च। इट इज ऑल्सो नोन एज ओलंपिक्स ऑफ जियो साइंसेज। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वॉट अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ओलंपिक ऑफ जियो साइंसेज और ओलंपिक ऑफ जियो साइंसेज हैज बीन हेल्ड वर्चुअली ओवर विच प्लेस। ओके, खैर, ये एक जॉइंट एंडेवर होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, अर्थ साइंस का, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और साइंस एकेडमीज ऑफ बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। थीम क्या था? जैसे आप देख सकते हो, थीम था यहाँ का जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट देखो, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, सेशन को जरा शेयर वेयर भी कर दो, ठीक है, डू शेयर द सेशन वंस। अगला देखो,
The Ministry of Port Shipping and Waterways has attained a landmark achievement by sailing the motor vessel Ram Prasad Vismil, the longest vessel ever to sail on the river Brahmaputra. Who is the minister responsible for Ministry of Ports, Shipping and Waterways? ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, बताया गया है कि अभी अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है इन्होंने अचीव किया है, और सेल क्या किया है इन्होंने, मोटर वेसल राम प्रसाद विस्मिल इन्होंने सेल किया अपना, जो कि लॉन्गेस्ट एवर वेसल है जो सेल कर रही है रिवर ब्रह्मपुत्र पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग है किसके पास में, नारायण रने, सर्बानंद सोनोवाल, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशांक या ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग टूडे। इसका आंसर क्या होगा, सर्बानंद सोनोवाल, ही इज हैविंग द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ऑल्सो द चार्ज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, एंड ऑल्सो द चार्ज फॉर पोर्ट्स। नारायण रानी जी की हम बात करते हैं, ही इज हैविंग द चार्ज फॉर MSME, ये आपके हो जाते हैं एजुकेशन, राइट नाउ नॉट नो सच थिंग्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास हो जाती है एविएशन, ठीक है, तो ये सारे के सारे इन लोगों की पोर्टफोलियोज हैं, इन्हें याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेल्सपन वन लॉजिस्टिक्स पार्क्स हैज साइंड एन MOU विथ विच स्टेट UT टू इन्वेस्ट ₹1500 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं वेल्सपन वन लॉजिस्टिक पार्क ने साइन किया है MOU कौन से स्टेट UT के साथ में, कि इन्वेस्ट कर सके 1500 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, केरल, कर्नाटका, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द आंसर, ओके। तो देखो भाई, जैसे हम लोग देख सकते हैं, देयर वाज समथिंग इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, तो वेल्सपन वन लॉजिस्टिक पार्क ने MOU साइन किया था किस स्टेट के साथ, कि इन्वेस्ट करने वाले हैं 1500 करोड़ लार्ज स्केल वेयर हाउसिंग के लिए, ये इन्होंने हरियाणा के साथ में किया था, ठीक है। 1500 करोड़ ये क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट है इसका एम यही है कि एक्सप्लोर करना शुरू कर दें जितने भी गवर्नमेंट की लैंड पार्सल्स हैं, ताकि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जा सके, ठीक है। चलो अगला देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनेंस निर्मला सीतारमन हैज़ प्रेजेंटेड रुपीज़ हाउ मच बजट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इन लोकसभा, ठीक है। तो अभी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए बजट प्रेजेंट किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है ये कितने का बजट था ओवरऑल, 1.03 लाख करोड़, 1.16, 1.23, 1.38, 1.42, क्या आंसर होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फिनेंस निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने प्रेजेंट किया है 1425009.87 करोड़, ठीक है, ये बजट इन्होंने प्रेजेंट किया है फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इन लोकसभा न्यू दिल्ली, ठीक है। अब एक दो और बातों को याद रखिएगा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये आपका जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया का मत इसको कंसीडर कर लेना, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर जम्मू कश्मीर, ओके। कैन यू पीपल टेल मी हु इज हैविंग द रीसेंट चार्ज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। अगला देख लो, यूजीन न्यूमैन पार्कर की मृत्यु हुई है, ये कौन सी फील्ड को बिलोंग करती थी, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट, ओके। तो अब जैसे हम यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूजीन न्यूमैन पार्कर की मृत्यु हुई है, ये कौन सी फील्ड को बिलोंग कर देते हैं। आई थिंक सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन, या हमने ये क्वेश्चन इसके पहले भी कर रखा है एक दो बारी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ओके। सो ही वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, इनकी अभी अभी क्या हुई है, डेथ हुई है, बस आपको इतना याद रखना होगा, बहुत डीप में अपन लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं जानने की जरूरत है। ये हम सभी लोगों का फेवरेट डे हो सकता है, बट मतलब इस दिन को हम लोग प्यारे नहीं होते हैं जल्दी। वर्ल्ड स्लीप डे इसको कब मनाते हैं, हर साल 13th ऑफ मार्च, 15th, 17th, 18th और 21st, कब होता है ये हर साल में,
जैसे हम देख सकते हैं, आपसे आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड स्लीप डे हर साल कब होता है, इसका आंसर क्या होगा? इसको मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रखा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों के लिए बहुत अहम दिन है, ठीक है? तो ये आपका 18th of March को हुआ था, जैसे आप देख सकते हो, ये कब होता है? तो एवरी ईयर ऑन द फ्राइडे बिफोर द स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स वर्ल्ड स्लीप डे इज ऑब्जर्व टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी स्लीप। दिस ईयर इट विल बी ऑब्जर्व ऑन 18th of March। इस बार का थीम क्या रहेगा? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, आजकल लोगों को नींद ही नहीं आती है, क्योंकि जब लोग सोने जाते हैं तो 50 तरीके की चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, ठीक है? तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, बहुत अननेसेसरी बातों पे लोग आजकल वरीड रहते हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वैसे नहीं किया, ठीक है? अगर हम लोग किस प्रोडक्टिव बातों पे फोकस्ड हो जाएं तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है? और तब जो साउंड स्लीप आती है ना मेहनत करने के बाद, वो कोशिश करना आज से है, बिकॉज आज 1st April है, आज हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। अच्छी बात ये होती है कि बैंक वालों के लिए आज एक तरीके की छुट्टी हो जाती है, सोचो क्यों? अच्छा चलो, कुछ मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हम डिस्कस कर लें। 1st March को क्या होता है बच्चों? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हो जाता है और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी होता है। 2nd को क्या होता है? सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है, एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, जो कि कोई कंपनी नहीं मनाती होगी। 3rd को क्या होता है? 3rd को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार तुम लोगों को बताती हूँ और यही कहती हूँ, भाई इसको याद रखे रहो, एग्जाम में पूछ सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8th को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे हम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये आपका कब होता है? ये आपका 8th of March को होता है, ध्यान रखे रहना, ठीक है? हाँ भाई, 10 को क्या होता है? 10 को होता है CISF। ये तो हो गए हमारे 1 से 10 तक के इंपॉर्टेंट दिन मार्च में। अब जरा हम लोग 10 से 20 को देख लेते हैं फटाफट, ठीक है? तो 10 से 20 में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, एक तो 14th को याद रखो, 14th को देखो पहले तो पाई डे याद रखे रहो, और इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स भी होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो पाई और दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों को क्या याद रखना होगा? 15th को होता है कंज्यूमर राइट डे, ठीक है? ये आपका 15th of March को होता है, ये वर्ल्ड लेवल पर होता है। जो 24th of November को होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, उसको भी ध्यान रखे रहना, ठीक है? फिर 18th को आपका ग्लोबल रिसाइकलिंग डे होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे होता है, ओके? ये भी ध्यान रखे रहो। और 20th को क्या होता है बच्चों? 20th को होता है आप लोगों का इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के ही आसपास हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, जिसमें भारत की रैंक क्या थी? 146 कंट्रीज में से। अब अगर हम लोग 21 से 30 देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। 21st को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे होता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 22, 23, 24 ये आपका वर्ल्ड वाटर डे होता है, ये होता है मेट्रोलॉजिकल डे, और ये होता है टीबी डे। 21, 22, 23, 24 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूल के भी मत भूलना, ठीक है? हाँ भाई, और इसके अलावा 27 को वर्ल्ड थिएटर डे होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं मार्च के, जिन्हें हम लोग को बिल्कुल से याद रखना होगा, भूलना मत इसे। चलो अगला देखो, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने रिकमेंड किया है किसे फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ए मनी में खलाई, अजय कुमार श्रीवास्तव, स्वरूप कुमार साहा, आलोक कुमार चौधरी, वसुदेवन पीएन। व्हाट इज द आंसर? हाँ, बट ऐसा नहीं है कि हर साल मार्च 18 को ग्लोबल स्लीप सॉरी वर्ल्ड स्लीप डे नहीं होता है, जैसा हमने देखा, ये इसका कोई फिक्स डे नहीं होता है, ठीक है? साइकिल को देखकर रिपीट होता है ये डे। ओके, सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि BBB ने किसको अभी जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO पर सेलेक्ट किया है। ऑप्शंस आप लोग यहाँ देख सकते हो, ए मनी मेखलई, अजय कुमार श्रीवास्तव, स्वरूप कुमार साहा, आलोक कुमार चौधरी और वसुदेवन पीएन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मनी मेखलई। BBB का काम क्या होता है? BBB का जो बेसिक काम होता है वो यही होता है कि जितने भी हाईएस्ट पोजीशन है बैंक्स पे, ये वहाँ पे लोगों को अपॉइंट करे, ठीक है? तो इन्होंने अभी अभी अपॉइंट किया है MD CEO, कहाँ कहाँ पर किया है देखो। द BBB रिकमेंडेड द नेम्स फॉर पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO एट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स, UBI, इंडियन ओवरसीज, पंजाब एंड सिंध, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लें। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सदर्न रीजन हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज चेयरपर्सन फॉर द ईयर 2022 और 2023? टी राजा कुमार, बी चंद्रशेखर, सुचित्रा के एला, एन चंद्रशेखरन, प्रभा नरसिम्हन।
ओके देखो अभी आपसे पूछ रहा है सीआईआई सदर्न रीजन ने अपॉइंट किया है किसे चेयरपर्सन फॉर द ईयर 2022 और 23। ऑप्शंस में आपके सामने इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सुचित्रा के एला। तो जैसे हम देख सकते हैं जो सीआईआई है इन्होंने अपॉइंट कर दिया सुचित्रा के एला को चेयरपर्सन फॉर द ईयर 2022-23। सीआईआई ने अपॉइंट किया है कमल बाली को डिप्टी चेयरमैन के रूप में भी, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बार जरा सेशन को तुम लोग शेयर कर दो, ठीक है, बिकॉज ऑलिव बोर्ड शेयर नहीं करिए तो तुम ही लोग शेयर कर दो, कोई तो शेयर कर दे। नेक्स्ट देखो कि आपसे पूछा जा रहा है महिला मनी और ट्रांसकॉप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ने अभी लॉन्च किया है महिला मनी प्रीपेड कार्ड किस कंपनी के साथ, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इजिली कलेक्ट कर सके पेमेंट लोन्स और इंसेंटिव भी पा सके अपने ट्रांजेक्शन के लिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिक मतलब ये होगा कि जो भी वुमेन्स हैं जो कि अपने बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व हैं वो डिजिटल कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ओके इसका आंसर होगा, हाँ भाई इसका आंसर होगा आपका वीज़ा, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं डिजिटल पेमेंट नेटवर्क महिला मनी वीज़ा और ट्रांसकॉप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ने अभी लॉन्च किया है महिला मनी प्रीपेड कार्ड, जिससे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मदद की जाएगी कि ये इजीली पेमेंट कलेक्ट कर सके लोन्स और साथ ही साथ में अपनी ट्रांजेक्शन के लिए क्या पा सकें, इंसेंटिव भी पा सकें, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने अनाउंस किया है लॉन्च स्मार्ट गारंटीड पेंशन प्लान का, जो कि एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल और ग्रुप जनरल एन्युइटी प्लान होगा, ठीक है। देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, नाम क्या है प्रोग्राम का, स्मार्ट गारंटीड पेंशन प्लान। ओके हाँ भी, तो ये करने वाली है आपकी कौन सी कंपनी, ये करने वाली आपकी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। ओके अब देखो आपसे ये सब नहीं पूछा जाता है क्या है कैसे है क्या प्लान है, आपसे सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्लान किसका है, तो ये मैक्स का है, बस इतना हम लोग को यहाँ याद रखना होगा। अगला फिर देख लो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे को कब ऑब्जर्व करते हैं इनका दिन, 16th, 17th, 18th, 19th और 20th। मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे होता है ये आपका हर साल कब होता है, 18th of March को ये सेलिब्रेट होता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे को हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि इनकी जो फाउंडेशन की गई थी पहली बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कौसीपुर नियर कोलकाता ईयर 1801 में इसको क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। उसके बाद से हर साल 18 मार्च को हमारे वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सी कंपनी ने एक पैक्ट अभी साइन किया है जिससे वो अक्वायर कर सकता है 51% स्टेक इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ऑफ दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। ऑप्शन देखो, अदानी पावर, रिलायंस पावर, GSW, टाटा पावर और टॉरेंट पावर। आसानी सब लिख रहे हैं अदानी को देखो सब गलत भी बता रहे हो, लेकिन एक अगर एक ऊपर वाला गलत लिखा तो सब उसको फॉलो करके गलत ही बताते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था आपसे, कौन सी कंपनी ने एक पैक्ट साइन किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि 51% स्टेक पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी दादरा नगर और दमन एंड दीव में लेने वाला है। ये करने वाली क्या थी, ये करने वाली टॉरेंट पावर लिमिटेड है। इन्होंने कहा है कि हमने एक शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है और शेयर होल्डर अग्रीमेंट किया है विद एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव होल्डिंग एंटिटी, ठीक है। तो ये करने वाली आपकी टॉरेंट पावर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर कहाँ पर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई। हाँ देखो जैसे हम देख सकते हैं SBI अपना एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन सेंटर शुरू करने वाली है, और ये कहाँ पर करने वाली है, ये इसको करने वाली है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इट विल बी स्टार्टेड एट हैदराबाद तेलंगाना। ये जो सेंटर होगा ये बैंक की इनहाउस कैपेबिलिटी होगी ताकि इनहेंस की जा सके इसकी करंट परफॉर्मेंस और ड्राइव कर सके ग्रोथ इनोवेशन के थ्रू, ठीक है। SBI के चीफ कौन हो जाते हैं आपके, दिनेश कुमार खारा, ठीक है। अभी भी SBI ग्रुप को कहा गया था कि ये लोग चाहें तो 9.99% तक स्टेक अक्वायर कर सकते हैं, कहाँ पर अक्वायर कर सकते हैं, ICICI बैंक में, लेकिन ये SBI बैंक को नहीं SBI ग्रुप को कहा गया था, ठीक है। अगला देखो बच्चों, व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ मुकेश अंबानी हु एमर्ज्ड एज रिचेस्ट इंडियन एंड एशियन इन हुरुन इंडियाज रिपोर्ट टाइटल 2022 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, 7, 8, 9, 10 और 11। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं,
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल रैंक मुकेश अंबानी की क्या है जो कि रिचेस्ट इंडियन और एशियन है, हुरुन इंडियाज ग्लोबल रिपोर्ट टाइटल 2022 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। इसमें इनकी जो रैंक थी दैट वाज 9th। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इनकी नेटवर्थ कितनी है, मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ कितनी है? एनीवन हु कैन आंसर मी। अगला देख लें, डेलॉइट की एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 रेसिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस। रिलायंस रिटेल लिमिटेड हैज रैंक्ड व्हाट ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 250 ग्लोबल रिटेलर्स, 34, 56, 67, 71 और 85। हंड्रेड एंड थ्री क्या उसके आगे पूरा लिखो। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे एक रिपोर्ट आई थी डेलॉय की जिसका नाम था ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग रेजिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस, रिलायंस रिटेल लिमिटेड की रैंक क्या थी 250 ग्लोबल रिटेलर्स के अंदर। तो रिलायंस की जो रैंक थी, रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा भारत का नाम रखे रहता है, रिलायंस की इसमें रैंक क्या थी 56 थी। ठीक है, सो जिसने भी 56 आंसर दिया है बिल्कुल सही है। अगला देखो बच्चों क्या आपसे पूछ रहा है, अभी अभी हमारे वहाँ पर फ्यूचरिस्टिक रेलवे सिस्टम को डेवलपमेंट के लिए कौन से साल तक इंडियन रेलवे ने कहा है कि हम अपना एक NRP बना रहे हैं, जिससे ये NRP जो बनेगा नेशनल रेल प्लान, इसके थ्रू हम लोग एक फ्यूचरिस्टिक रेलवे सिस्टम क्रिएट करेंगे। किस साल तक ऐसा ये करने को कह रहे हैं, 2024, 25, 26, 28 या 30? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको तो गलत मत बताओ। अजगर जुड़ा तुम्हारा नाम काफी अच्छा है। ओके, देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2030। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक रेलवे सिस्टम 2030 तक क्रिएट किया जाएगा। ओके, और जो इंडियन रेलवे है ये नेशनल रेल प्लान इंडिया 2030 के साथ में अपने वहां पर आ रही है। इसके थ्रू ये क्या करना चाहता है कि अपने वहां पर जो रेलवे है इसको फ्यूचर रेडी बनाया जा सके। रेलवे का ये भी एम है कि ये अपने आप को 2024 तक कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाई कर सके। अब कल हमारी 10 बजे की क्लास में हमने पढ़ा था कि एक ऐसी रेलवे है जो कि अभी अभी कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई हो गई है, क्या कोई मुझे बता सकता है हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा रेलवे बना है जो कि अपने आप को कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई कर लिया है? कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिलाष, एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ओके, सो एज वी ऑल कैन सी हियर, क्वेश्चन में आपसे पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जैसे कल हमने रात के 10 बजे की क्लास करी थी उसमें पढ़ा था कि कौन सा ऐसा रेलवे है जिन्होंने अभी अभी अपने वहाँ पर पूरी रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई किया, तो ऐसा करने वाला कौन सा था? ये कोंकण ऐसा करने वाला है। ठीक है बच्चों, याद रखे रहिएगा, इनकी 741 किलोमीटर्स लंबी लाइन है, इसको इन्होंने कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। और इलेक्ट्रीफाई करने का प्लान इन्होंने कब से शुरू किया था, 2015 से इन्होंने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया था, ये ज़रूर याद रखना। कल जब हम लोग क्लास कर रहे थे मैंने उसमें आपको एक और बात बताई थी कि हमारे पूरे विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन कौन सा है, इसका नाम क्या होता है, अगर याद आए तो बताना पूरे विश्व का सबसे पुराना रेल इंजन का नाम क्या है। कल मैंने आपको बताई थी ये बात। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डेवलप्ड दिशांक ऐप टू इंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स, कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा, केरल और वेस्ट बंगाल। तो जैसे हम देख सकते हैं दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया, दिशांक ऐप को लॉन्च किया गया है बेसिकली एक ही काम के लिए, वो है कि ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड अवेल रहे, जिससे कि जो लैंड को लेकर के अलग अलग डिस्प्यूट्स और फाइट्स होते हैं वो ना हो, और ये करने वाला आपका कर्नाटका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका ने अपने वहां पर लॉन्च किया है किसको, दिशांक ऐप को। ठीक है, अगला देखो, वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल किस दिन हम लोग, 19th, 20th, 21st, 22nd और 23rd। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल हम लोग कब अपने वहाँ पर मनाते हैं, ये हर साल मनता है आपका
20th of March को, ठीक है? तो वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th of March. दिस डे इज मेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हाउस स्पैरो एंड द डेंजर्स इट कन्फ्रंट्स, ठीक है? हाँ भाई, तो इसका आंसर क्या होगा? 20th of March. अगला फिर देखो, किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाई जाती है? 19th, 20th, 21st, 22 और 23. हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड डे ऑफ हैप्पीनेस कब बनता है. इसी दिन आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को भी पब्लिश किया जाता है. ये आपका हर साल 20th of March को होता है, ठीक है? और इस साल की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी थी? फिनलैंड. फिनलैंड पिछले 5 साल से लगातार हैप्पीएस्ट कंट्री है. अनहैप्पीएस्ट कंट्री अफगानिस्तान है. ये अनहैप्पीएस्ट कंट्री है पूरे विश्व की, ठीक है? इंडिया की रैंक है 136. टोटल कंट्रीज की रैंकिंग की गई थी जो वो थे 146, ठीक है? तो ये पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखे रहना. हाँ भाई, अगला देख लो ज़रा. ये भी देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. भूटान ऐसा पहला देश बना था जिसने अपने वहाँ पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस लाना शुरू किया था. जैसे हर जगह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वगैरह आता है, वैसे भूटान अपने वहाँ पे पहली बार ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसी एक वो लेकर के आया था, एक नया इनिशिएटिव जिससे देखा जा सके कि ओवरऑल क्या हैप्पीनेस रिपोर्ट है यहाँ हमारे देश की. 2013 में यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था पहला इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस. थीम क्या था इस बार का? कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड. ओके, नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है हर साल? 16, 17, 18, 19 और 20. किस मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं? कितने क्वेश्चन हैं? ये पूरे मार्च का है तो क्वेश्चन आपके 130 हैं, जो कि मुझे लगता है कम है. लेकिन तुम लोग की आबादी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं. कैसे हम लोग निपटेंगे 130 को? और जैसे मैं कहती हूँ, ऑलिव बोर्ड नहीं शेयर कर रहा है, कम से कम तुम लोग तो शेयर कर दो. हाँ भाई, तो देखो, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये कब होता है? ये हर साल आपका 20th of March को होता है, ताकि एक हम लोग बेटर ओरल और हाइजीन और हेल्थ को लेकर के लोगों में अवेयरनेस ला सकें. इस डे को स्टार्ट किया गया था FDI, वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के द्वारा. वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इसको सबसे पहली बार 2007 में सेलिब्रेट किया गया था, ये ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT? इसको लिखने वाले कौन है? क्या नाम है? मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड OT. ऑप्शन देखो, रत्नाकर शेट्टी, अभिनव चंद्रचूर, टेहमटन एराज उवाडिया, गीतांजलि श्री और अभय के. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टेहमटन एराज उवाडिया, ठीक है? पद्म अवार्डी डॉक्टर टेहमटम एराज उवाडिया, इन्होंने लिखी है अपनी नई किताब जिसका नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT. ये एक पर्सनल अकाउंट है उन लोगों की, इंसिडेंट, मेंटोर, फेलियर्स और जो भी एब्सर्डिटीज़ हैं बैकड्रॉप ऑफ सर्जरी के, उसके बारे में सब है, ठीक है? इनके नाम को जरूर याद रखना. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि अभी हमने देखा एक डॉक्टर ने सुसाइड भी कर लिया था. तो अभी जो रिसेंट के आपके 1-2 महीने वाले एग्जाम्स हैं, उसमें ऐसी किताब के आने के चांसेस आते हैं, ठीक है? अगला देखो बच्चों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया 7-स्टोरी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी एट DRDO's लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इन विच सिटी टू डेवलप एवियोनिक्स फॉर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, और लॉन्च करने वाले हमारे राजनाथ सिंह जी हैं. इसको लॉन्च करने का यही मकसद है इनका, DRDO की एक लेबोरेटरी है जिससे जो एवियोनिक्स है इसको हमारे वहाँ पर जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसमें एडवांस मीडियम में यूज़ किया जा सके, ठीक है? हाँ भाई, नेक्स्ट देखो फिर, नेम द मंजीत मान्स चिल्ड्रंस बुक विच हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर UK's योटो कार्नेजी मेडल 2022. तो मंजीत मान जी की कौन सी ऐसी किताब थी जिसे UK के योटो कार्नेजी मेडल के लिए सेलेक्ट कर रहे थे? ऑप्शंस आपके सामने, बताइएगा. तो ये करने वाले आपकी, देखो, द इंडियन ओरिजिन ऑथर मंजीत मान्स बुक टाइटल द क्रॉसिंग वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूनाइटेड किंगडम्स योटो कार्नेजी मेडल. द क्रॉसिंग इज एट्रियन रिफ्यूजी, ठीक है? तो याद रखे रहिएगा आप लोग कि इसको अभी नॉमिनेट किया गया है. इसके अलावा ये जो किताब है, ये द बुक ऑल्सो वन 2022 कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड. द बुक वॉज पब्लिश्ड बाई पेंगविन UK इन 2021. ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है? अगला देखो, Which of the following countries, Carolina Bialaska, has won the title of Miss World 2021? ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं कौन सी कंट्री की Carolina Bialaska हैं जिन्हें इस बार Miss World 2021 दिया गया है. ऑप्शंस आप देख सकते हो, हंगेरी, उज्बेकिस्तान, सर्बिया, पोलैंड और रशिया. बफ,
ओके शैल वी कंटिन्यू इफ इट इज ओके प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट इट अगेन ओके ओके ग्रेट तो अगला क्वेश्चन देखो जैसे हम लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सी कंट्री की कैरोलिना बेलास्का है जिन्हें इस बार मिस वर्ल्ड 2021 दिया गया है इसके ऑप्शंस आपके सामने इसका आंसर क्या हो जाएगा द आंसर हियर विल बी पोलैंड ठीक है तो कैरोलिना बेलास्का ये पोलैंड की हैं जिन्हें मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल दिया गया है इन्हें इस क्राउन से दिया गया था 2019 में मिस वर्ल्ड टोनी एंड साई ऑफ जमैका ठीक है तो इस बार ये क्या बनी है मिस वर्ल्ड 2021 2019 में इन्हें क्या मिला था मिस वर्ल्ड टोनी एंड साई सिंह जमैका ठीक है टोनी एंड साई करी मैं टोनी एंड सिंह जमैका का इन्हें दिया गया था 2019 में इन दोनों को हमें याद रखना है एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं ये कौन सा बैंक ऐसा पहला भारतीय बैंक बना है जिन्होंने एमओयू साइन किया है बिजनेस फ्रांस के साथ जिससे ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके इंडो फ्रेंच कॉरिडोर को हाँ तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा पहला बैंक जो कि इंडियन बैंक है जो कि एमओयू साइन किया है बिजनेस फ्रांस के साथ और ये सपोर्ट प्रोवाइड करने को कहा है कंपनीज को जो इंडो फ्रेंच कॉरिडोर में है इसका आंसर है आपका कोटेक महिंद्रा कोटेक महिंद्रा ने एक एमओयू साइन किया है बिजनेस फ्रांस के साथ जो कि एक फ्रेंच नेशनल एजेंसी है और इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में ताकि ये मिलकर के सपोर्ट कर सके कंपनीज को जो इसमें वर्क कर रहे हैं KMBL ऐसी पहली भारतीय बैंक है जो इस तरीके का एमओयू साइन की है बिजनेस फ्रांस के साथ में ठीक है इसका आंसर है कोटेक महिंद्रा हु इज द चीफ उदय कोटक उदय कोटक ने अभी कहा कि चीफ से रिजिग्नेशन दिया है ILFS की सिक्योरिटीज से उदय कोटक ने अपना क्या दे दिया है रिजिग्नेशन दे दिया और यहाँ पे कौन बन जाएंगे चीफ CS राजन जी ठीक है तो ये भी ध्यान रखे रहो अगला देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन किसका फॉर फॉलोइंग टर्म एज इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ RBL बैंक ठीक है तो RBL बैंक का बहुत दिन से सब नाटक चल रहा है ठीक है अब ये भी किसको इंटरिम MD CEO का एक्सटेंशन दे दिया गया फर्दर अतुल कुमार गोयल पद्मजा चंद्रू संजीव चड्ढा पल्लव महापात्रा राजीव आहूजा बहुत दिन से इनका चल रहा है मतलब ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है देखो वैसे भी ये कहीं ना कहीं देख करके हम लोग को क्लियर हो ही रहा है बिकॉज बाकी सभी लोगों को हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये कहीं और के ही चीफ है यहाँ के तो नहीं है इजंट इट यस सबसे पहले अतुल कुमार गोयल दिख रहे हैं ये कहाँ के हो जाते हैं आपके ये अब फिलहाल पहले यूको के थे अभी आपके PNB जा चुके हैं ठीक है पद्मजा चांदुरू कहाँ पे चली गई है NSDL ठीक है ये कहाँ पे चले जाती हैं इनको भेज दिया जाए BOB में हम लोग ठीक है पल्लव महापात्र तुम लोग बताओ इसका आंसर है राजीव आहूजा जी किसको रिप्लेस किए थे विश्ववीर आहूजा जी को ये रिप्लेस करके आए थे और फिलहाल में ये मतलब जब से रिप्लेस किए उसके बाद से यही है अभी इनके टर्म को क्या किया गया फर्दर एक्सटेंड भी कर दिया गया ठीक है यप अगला देखो किसको अपॉइंट किया गया CEO फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का हाँ IBA के भी चीफ हैं वो सही बता रहे हो ओके तो अब जैसे हम यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं कि अभी अभी एक CEO अपॉइंट किया गया है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का ये किसको अपॉइंट किया गया है इसके ओके ग्रेट देखो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है प्रशांत झवेरी ठीक है तो ये CEO है अपोलो हेल्थ लाइफस्टाइल लिमिटेड मेडीबडी के ठीक है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस अभी ये ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन इसके पहले जो CEO रहे थे ये अपोलो हेल्थ के लाइफस्टाइल के लिमिटेड और साथ ही साथ में मेडीबडी में भी ये काम कर चुके हैं तो इस वजह से अभी इनको क्या किया गया है जो आपका फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है यहाँ पे इनको क्या बनाया गया है चीफ बनाया गया है अच्छा फ्लिपकार्ट के CEO का नाम क्या होता है कोई बताएगा मुझे फ्लिपकार्ट के CEO कौन है ये बताओ मुझे कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज के साथ इसके साथ में पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जो डिजिटल पेमेंट ऑफर करने वाली है नॉन इंटरनेट यूजर्स को ताकि जो भी कंज्यूमर्स हैं वो अपना LPG सिलेंडर बुक कर सके यूजर्स के साथ में HPCL ऑयल इंडिया इंडियन ऑयल ऑल एंड नेचुरल गैस BPCL अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन देखो अभी जैसे हम लोगों को पता है ऑफलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस समय फिलहाल में तो ऑफलाइन पेमेंट में क्या हुआ है कि जो नॉन इंटरनेट यूजर्स हैं उनको ये सुविधा दी जा रही है कि वो अपना LPG सिलेंडर जो है बुक कर सकें डिजिटल पेमेंट का यूजेस करते हुए ठीक है ये करने वाली पहली कंपनी कौन सी है BPCL है तो इसका आंसर क्या होगा BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अगला देखो SBI ने अनाउंस किया है कितने रुपये का लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को फॉर इट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डील विद इकोनॉमिक क्राइसिस
इवेंचुअली हम लोगों ने श्रीलंका को बहुत सारी ऐसी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रखी है। फिलहाल में आपसे पूछा जा रहा है एसबीआई ने कितना किया है। ऑप्शंस आपके सामने में है सारे के सारे। इसका आंसर है इसका आंसर है $1 बिलियन। ठीक है, इसके पहले 900 किया गया था पेट्रोलियम क्राइसिस के लिए, फिर ये $1 बिलियन दे रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। स्वैप ट्रांजेक्शन्स किए जा चुके हैं, बिकॉज हम सभी को पता है कि श्रीलंका के हालात अभी बहुत बुरे चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनके साथ में एक एमओयू साइन किया गया है। इस साल का जो एशियन क्रिकेट होने वाला है, एशियन क्रिकेट कप, ये भी कहाँ पर होने वाला है? श्रीलंका के अंदर होने वाला है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ वापस से कौन बना दिए गए हैं? जय शाह बना दिए गए हैं। ठीक है, चलो अगला देख लो। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाली है यूपीआई लाइट, यूपीआई यूजर्स के लिए, जिसके थ्रू वो छोटी मोटी लेवल की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। इसमें अपर लिमिट क्या होगी ऑफलाइन पेमेंट की? 100, 200, 500, 1000 या 2000? पीडीएफ तो प्रोवाइड किया जाएगा, पहले सेशन तो खत्म हो जाने दो, बीच में थोड़ी ना प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, UPI लाइट लॉन्च किया जा रहा है, और इसको लॉन्च करने के पीछे क्या रीज़न है? यही है कि जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं 200 तक के, ये कंप्लीट किए जा सके, बिकॉज अपने वहाँ पे जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 200। ये मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किया जाता है, लेकिन मान लो जैसे आपने एक बार 200 किया, ये मतलब एक बार की ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम 200 कर सकते हो, 200 एक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो शिव नहीं कर पाओगे, 200 कर रहो फिर 200 कर रहो, ऐसे कर करके जो आप ओवरऑल ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक बार की रिचार्ज डिवाइस से, वो 2000 कर सकते हो। उसके बाद आपको दोबारा से फिर उसे रिचार्ज कराना होगा, तब जाकर के आप ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया है? 6.5, 7.2, 8.8, 9.1, 10.8। ओके, तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं मूडी इन्वेस्टर सर्विस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 9.1%। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं रेटिंग एजेंसी मूडी ने अभी अभी रिवाइज किया है डाउनवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट भारत के लिए 9.1% के लिए कर दिया, और इन्होंने ये कैलेंडर ईयर के लिए किया है। मैंने आपको कई बार बताई है कैलेंडर ईयर आपका जनवरी से दिसंबर होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है? अप्रैल से मार्च होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को ज़रा ध्यान रखे रहना। ओके, खैर, इसके पहले मूडी ने जो है 9.5% का फोकस किया था, लेकिन अभी जैसा हम सभी को पता है ये अपने वहाँ पर पैंडेमिक दोबारा से आ गया था, ओमिक्रॉन एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से कुछ जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थी वो डाउन हो गई थी। इस वजह से सभी ने अपने अपने फोकस डाउन करके 9.1% कर दिया, मतलब मूडी ने किया, बाकी ने भी डाउन कर दिया। RBI ने क्या किया? रिलीज़ किया एक फ्रेमवर्क माइक्रो फाइनेंस लोन का। ठीक है, डायरेक्शन है इनकी, जो माइक्रो फाइनेंस लोन है इसको डिफाइन करते हैं कोलेट्रल फ्री लोन, जो कि हाउस होल्ड को दिया जाता है जिनका एनुअल इनकम कितना होता होगा। ग्रेट, तो देखो RBI ने अभी अभी एक फ्रेमवर्क लॉन्च करी है माइक्रो फाइनेंस लोन्स RBI के लिए। इसमें बताया गया है कि ये माइक्रो फाइनेंस उन्हें देते हैं जिनके वहाँ की जो ओवरऑल इनकम होती है, एनुअल इनकम, ये 3 लाख तक की होती है। ठीक, तो पहले तो ये याद रखे रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट, और आप लोगों को क्या याद रखना होगा, माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है एक ऐसा फिनेंस जहाँ पे हम लोगों को फिनेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ में उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है माइक्रो फाइनेंस का और स्मॉल फाइनेंस का। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क? 140, 138, 134 और 129। ओके, तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं भारत की क्या रैंक है 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, भारत की रैंक है 136। ओवरऑल जो कंट्रीज की रैंकिंग की गई थी इट वाज 146। टॉप करने वाला था आपका फिनलैंड। ओके, और फिनलैंड के बाद में आपका डेनमार्क था। फिनलैंड 5th टाइम कॉन्टिन्यूस इसको टॉप किया है, ये भी याद रखे रहेगा। पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब होता है? 20th of March को। पहली बार जो कंट्री अपने वहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस लेकर के आई थी इट वॉज भूटान। हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड, अनहैप्पीएस्ट अफगानिस्तान। ओके, यहाँ पे आपके सामने टॉप 5 कंट्रीज। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स। हाँ, कंप्लीट मंथ है। फिनलैंड को देखिएगा, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड है। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, US ये अपनी 16th पोजीशन पर था, ब्रिटेन 17th पर था और फ्रांस 20th पर था।
ठीक है, इंडिया की रैंक पिछले साल के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुई है, देखा जाए तो 3 स्पॉट्स ऊपर आई है इंडिया की रैंक। देखो, अ ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन एंटाना नारिवो इन द कैपिटल सिटी ऑफ तंजानिया, मोजाम्बिक, इथियोपिया, मेडागास्कर और सीशेल्स। तो अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अ ग्रीन ट्रायंगल जिसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया है। जैसे हमने एंटाना नारिवो देखा, कहीं ना कहीं हमें माइंड में आना चाहिए कहाँ पर हो सकता है, ऑब्वियसली मेडागास्कर, ठीक है। तो इसको इनॉग्रेट किया है जो भारतीय एम्बेसडर है मेडागास्कर के लिए, जिनका नाम क्या है, अभय कुमार, और मेयर जो है एंटाना नारिवो के, नैना एंड्रिया नस्तोयाना, इन लोगों ने मिलकर के इसे इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेडागास्कर। मुझे आंसर्स तुम लोग के सीशेल भी मिल रहे हैं। सीशेल का कैपिटल क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। अगर मैं आपसे बोलती हूँ सीशेल, तो सीशेल्स का कैपिटल क्या हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और मतलब कुछ दिन पहले न्यूज़ में था ये काफ़ी ज़्यादा, ये विक्टोरिया होता है, ओके। खैर चलो अगला देखो। द कोचेस फॉर द दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर वर लॉन्च बाय द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन विच ईयर NCRTC वॉज फाउंडेड, ठीक है। तो अभी आपका रैपिड रेल कॉरिडोर, इसको लॉन्च किया गया था, बेसिकली आप लोग कह सकते हो एक झलक दी गई थी रैपिड रेल कॉरिडोर की, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि NCRTC जिसने इसको लॉन्च किया है, इसकी फाउंडेशन कब हुई, ओके। इसको देखो, इसकी फाउंडेशन की गई थी 2013 के अंदर, जैसे आप यहां देख सकते हो कि जो कोचेज हैं दिल्ली मेरठ रैपिड, ये काफ़ी शानदार सा इसका कोच दिखाया गया था, बहुत ही खूबसूरत सा, मेट्रो से भी ज़्यादा अच्छा इसका कोच वोच दिख रहा था। तो इसको अभी लॉन्च करके दिखाया गया था, ये लॉन्च नहीं कर दिया गया है। रैपिड रेल कॉरिडोर तो जो आपका ये कॉरिडोर है, इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 के लगभग, जो दिल्ली मेरठ वाला आपका चलेगा, लेकिन इसमें बस एक झलक दिया गया है कि ऐसा कुछ होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंड एन एग्रीमेंट विद ड्रेजिंग कॉरपोरेशन टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ड्रेजर इन कोलैबोरेशन विथ इंडस्ट्रियल हैंडल्स कॉम्बिनेट होलैंड, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है ना कि भारत में पहली बार एक अग्रीमेंट हुआ है DCI के साथ, जिससे भारत का पहला मेक इन इंडिया ड्रेजर बनाया जाएगा हैंडल्स कॉम्बिनेटी होलैंड के साथ में, ये किसने किया है। तो ये करने वाला आपका कोचिन शिपयार्ड है। देखो, मैंने आपको बता रखा है सेशंस में पहले भी कि ये जो ड्रेजर्स होते हैं, इस ड्रेजर का बेसिक मतलब होता है एक ऐसा मशीन जिसके थ्रू हम लोग नदी वगैरह साफ करके उसको थोड़ा और वाइड बनाते हैं, उसको और स्पेशियस बनाते हैं, ठीक है। तो ये करने वाला कौन कौन है, ये करने वाला आपका एक तो भारत से कोचिन शिपयार्ड है, और ये करने गया इंडस्ट्रियल हैंडल कॉम्बिनेट होलैंड के साथ में, ठीक है। फिर अगला देख लो जरा, सॉरी, कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट बना है भारत का जो अडॉप्ट किया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स बाय वे ऑफ रिकॉर्डिंग देयर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ एन इंडेक्स। ये करने वाला आपका, हाँ सॉरी, आंसर आ गया था आपके सामने, ये करने वाला आपका तेलंगाना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, जैसे क्या होता है कोई एक स्टेट पर्टिकुलर एक क्रॉप पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ये लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो क्रॉप्स अपने वहाँ पे सो कर रहे हैं इसकी और ज़्यादा बढ़ा सके, ताकि हमारी डिपेंडेंस खत्म हो सके। और इसको अपने वहाँ पे पहली बार लॉन्च करने वाला तेलंगाना बन गया है, ठीक है, बिकॉज इनकी सेंटर से कुछ अनबन हो रही थी। एनीवे, अब देखो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पहला स्टेशन बना है ईस्ट कोस्ट में और इम्प्लीमेंट करने वाला है वन नेशन वन प्रोडक्ट को। विशाखापट्टनम रेलवे, छत्रपति शिवाजी, हजरत निजामुद्दीन, मुंबई सेंट्रल, हुबली रेलवे। ओके, तो जैसे हम देख सकते हैं पहली बार कौन वन नेशन वन प्रोडक्ट, जैसे हम सभी को पता है यार आजकल यही आ रहा है वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन प्रोडक्ट। तो क्या किया जाएगा, एक एक स्टेशन पे फोकस किया जाएगा, जिससे कि जो लोकल बिजनेस लोग करते होंगे उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, और ऐसा करने वाला पहला विशाखापट्टनम बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, विशाखापट्टनम, ठीक है। अभी जरा देखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये कब होता है हर साल, 13, 15, 17, 19 या 21, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर साल कब होता है, ये आपका 21 मार्च को होता है, ठीक है, ये आपका 21 मार्च को होता है हर साल, ताकि लोगों को बेसिकली रिमाइंड किया जा सके जो भी उनकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करने का, ठीक है।
कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया था डोल उत्सव, जो कि एक तरीके से इनकी इनका जो कैलेंडर ईयर है उसका लास्ट फेस्टिवल कंसिडर करते हैं? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो ये करने वाला वेस्ट बंगाल था। इन्होंने डोल उत्सव या डोल जतरा अभी सेलिब्रेट किया था। इसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं, अबीर गुलाल वगैरह से खेलते हैं, और इनका जो ईयर होता है उसमें ये लास्ट सीजन लास्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे बताते हैं। कौन को ऑथर है ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर क्रिकेट जी आर विश्वनाथ, जिसका टाइटल है रिस्ट अश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी? ठीक है, तो रिस्ट अश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, यह भी एक ऑटोबायोग्राफी आई है जी आर विश्वनाथ जी की। आपसे पूछा जा रहा है कि इनके को ऑथर कौन थे? हाँ भाई, को ऑथर है इनके आर कौशिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका आर कौशिक। ठीक है, चलो। हु हैज़ वन द फॉर्मूला वन बहरान ग्रैंड प्रिक्स एट बहरान इंटरनेशनल सर्किट? ठीक है, तो अभी अभी बहरान ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले कौन बने हैं? चार्ल्स लेकलर्क, सेबेस्टियन वेटल, मैक्स वर्स्टैपेन, वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चार्ल्स लेकलर्क। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो फेरारी के चार्ल्स लेकलर्क, जो कि मोनाको को बिलोंग करते हैं, ये फॉर्मूला वन बहरान ग्रैंड प्रिक्स अभी अभी जीते हैं। ठीक है, इट वॉज हिज फर्स्ट विक्ट्री सिंस 2019 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन दोहा? मार्क सेल्बी, पंकज आडवाणी, विद्या पिल्लई, रोनी ओसुलिवन या गीत सेठी? ओके, तो अब जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसने अभी अभी 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है, ये जीतने वाले कौन है? ये है पंकज आडवाणी। जब इनका नाम आ जाता है तो सब अपने आप पीछे हो जाते हैं। ठीक है, खैर। सो एस इंडियन क्विस्ट, पंकज आडवाणी वन 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन दोहा, खतर, आफ्टर डिफीटिंग कंपैट्रियट ध्रुव सिटवाला बाय 6-2। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साइंड एन MOU विद विच IIT फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन? ठीक है, तो देखा जाएगा बेसिकली कौन सी जगह किस पर्टिकुलर मिनरल के लिए ज़्यादा सूटेबल है ताकि एक्सप्लोरेशन किया जाए, इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए NMDC ने किस IIT के साथ में एक MOU को साइन किया है? द आंसर इज, हाँ भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो, इंडिया का जो सबसे बड़ा ओर मैन्युफैक्चरर आपका NMDC है, ये IIT खड़गपुर के साथ में मिल करके और ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन पे वर्क करने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? IIT खड़गपुर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है मासिव मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इन नॉर्वे? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? ओके, तो अब जैसे हम देख सकते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी ऑर्गेनाइज किया है मासिव मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली नाटो ने किया है, कहीं ना कहीं एक तरीके का आप लोग कह सकते हो मैसेज था जो रशिया यूक्रेन वाला चल रहा है, रशिया को नाटो ने अभी अभी इसको ऑर्गेनाइज किया अपने वहाँ पर कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, और ये आपका 1st of April यानी आज इसको कंक्लूड किया जाएगा। नाटो कहाँ पर होता है? ये आपका ब्रसल्स बेल्जियम में होता है, चीफ होते हैं जेंस स्टोलनबर्ग। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जेंस स्टोलनबर्ग कौन से बैंक के गवर्नर बनाए गए हैं अभी हाल फिलहाल में? कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि जेंस स्टोलनबर्ग को यहाँ का गवर्नर बनाया गया, किस बैंक का बनाया गया ये बताइएगा ज़रा। सॉरी, अगला देख लो। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय कुमार ने कमीशन किया है कौन सी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को गोवा में, जो कि 5th है 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के अंदर? विकास, गगन, सक्षम, आकाश और मानस? नॉर्वे सेंट्रल बैंक, पक्का? चलो बच्चों, तो जैसे आपसे पूछ रहा है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी भारत के हैं अजय कुमार जी, इन्होंने अभी 5th OPV को कमीशन किया है, इसका नाम क्या है? ये गोवा में इसको कमीशन किया गया है, इसका नाम है ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आपकी कहाँ की, सॉरी, गोवा में की गई है, और इसका नाम है सक्षम। तो याद रखिएगा, द आंसर विल बी सक्षम। हाँ भाई, बाकी जितने भी आपकी वो हैं ICGS देख लो, जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये कौन कौन सी हैं, इनका नाम है, 2020 में आई थी पहली ICGS सचेत थी, फिर सुजीत, फिर सार्थक, फिर सजग, और अब कौन सी आ गई, अब आ गई सक्षम। तो सारी की सारी ऐसे हैं, 5 SC याद रखे रहना, सचेत, सुजीत, सार्थक, सजग और सक्षम। कौन सी कंट्री के साथ में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है 9th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामितिये 2022? तंजानिया, मोजाम्बिक, सिशेल, मेडागास्कर, एथियोपिया?
आंसर दिख गया था, अच्छा तो है, मनाओ ऐसा तुम्हारे साथ एग्जाम में हो जाए, किस्मत ही सबकी पलट जाएगी। चलो तो अब जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सी कंट्री के साथ इंडियन आर्मी ने 9th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामी टीए कंडक्ट किया है, ये इन्होंने किसके साथ किया, ये इन्होंने सेशल्स के साथ में किया है। सेशल की क्या राजधानी हो जाती है, अभी हमने पढ़ा, विक्टोरिया। ठीक है, तो देखो इंडियन आर्मी और सेशल डिफेंस फोर्स ने मिल करके 9th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामी टीए 2022 को अभी अभी कंडक्ट करा है। ये जो एक्सरसाइज इसमें पार्टिसिपेट करेगी इन्फेंट्री प्लाथून स्ट्रेंथ, दोनों ही इंडियन आर्मी और सेशल डिफेंस फोर्स से, जहाँ हाँ भाई, तो इसका आंसर है आपका सेशल। अगला देखो जरा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद प्रेस्टीजियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड एट मालदीव स्पोर्ट। ठीक है, तो मालदीव स्पोर्ट में किसे स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड इस बार दिया गया है, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सुरेश रैना। यप, ये दिया गया सुरेश रैना साहब को। ठीक है, तो ये पहले रह चुके क्रिकेटर सुरेश रैना हैं जिन्हें अवार्ड किया गया इस बार स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के अंदर। ठीक है, जय शाह हैज बीन रीअपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ACC, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ ACC, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, कोलंबो और काबुल। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जय शाह जी को ACC का चीफ फिर से एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है, एक्चुअली 2024 तक के लिए कहा गया है ना। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ACC का हेड ऑफिस कहाँ पर होता है, तो ये कोलंबो श्रीलंका के अंदर होता है। ठीक है, हु इज बीन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ TCS, TCS के MD CEO कौन बनाए गए हैं। यहाँ देखो आपसे पूछा जा रहा है MD CEO कौन हुए हैं TCS के, तो ये हुए आपके राजेश गोपीनाथन। द बोर्ड ऑफ IT मेजर TCS हैज अनाउंस द रीअपॉइंटमेंट ऑफ राजेश गोपीनाथन एज MD CEO ऑफ द कंपनी फॉर 5 years। सो द आंसर विल बी, दो बार रिवाइज करने के बाद भी भूल जा रहे हैं, क्या करें, डेली क्लास करो। जो सबसे अच्छा तरीका है करंट अफेयर्स को याद रखने का वो है डेली क्लास, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो अगर कर सकते हो ज़रूर करना, 10 PM पे तुम लोगों की क्लास होती है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एटलीस्ट आज तो सभी लोग एक सबक ले लो कि हाँ अब हमें डेली क्लास करनी है। अगला देखो, कौन से इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है UN सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस द्वारा अपने वहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड के लिए इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म में। जयति घोष, राकेश शर्मा, अभिषेक सिंह, अभय कारंदीकर, माधवी पुरी बज। व्हाट इज द आंसर। बाय ब्रो, बाय क्यों कर रहे हो तुम लोग, अभी तो सेशन चल रहा है। देखो ये किसको किया गया था, हाँ भाई, ये जयति घोष जी हैं। जयति घोष जी को अभी अभी अपॉइंट किया गया था एंटोनियो गुटेरेस जी के द्वारा, एक नई हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई है इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म पे। ये जो इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म होगा, ये तमाम चीजों पर, हाँ, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर फोकस कर सकता है। ठीक है, किस पे फोकस कर सकता है, जैसे यूथ्स हो गए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो महिलाएं हैं उनकी हैं, ठीक है, उस पे ये फोकस करने को कर सकता है। ठीक है, अब कौन इसकी चीफ बनाई गई है, जयति घोष। ओके, आप पढ़ाओ, हम करते रहें, और क्या प्राण त्यागे। नहीं भाई सुशील, तुम प्राण मत त्यागो, बस सेशन को अटेंड करो। ठीक है, तो प्राण त्यागने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, अगर सेशन को अटेंड कर रहो तो प्राण त्यागे बिना ही तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा जो भी सिडवी ग्रेडे के लिए एक्सपेक्टेड मॉक ले लो कल। मैं देखूंगी, अगर टाइम मैनेज हो पाता तो मैं ज़रूर करूंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, DPIIT के हिसाब से जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टाइमलाइन 5 years से कितने दिन तक के ईयर्स का फॉर स्टार्टअप्स टू कन्वर्ट डेट इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंपनी इनटू इक्विटी शेयर्स। ऑप्शंस देखो ज़रा, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम देख सकते हैं DPIIT ने बताया है कि जो गवर्नमेंट है ये टाइमलाइन को 5 से बढ़ा करके कितने साल तक करेंगे स्टार्टअप के लिए कि वो कन्वर्ट हो सके डेट इन्वेस्टमेंट मेड इन कंपनी इनटू इक्विटी शेयर्स। इसको आराम से कन्वर्ट कर सकें। इसको कितना कर दिया गया है, इसको किया गया है 10 ईयर्स। 6 ईयर्स क्यों किया जाएगा, एक साल में क्या हो जाएगा, सोचो एक साल में क्या तीर मारेंगे लोग। तो DPIIT के अनुसार गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है 10 साल तक का टाइम स्टार्टअप्स के लिए, ताकि ये कन्वर्ट सके अपने डेट इन्वेस्टमेंट को जो भी कंपनी में हुआ है इक्विटी शेयर्स के अंदर। ठीक है, तो उस कन्वर्जन के लिए एक साल कुछ नहीं है, तो 5 साल और दिया जा रहा है इन्हें। फिर देख लो, वर्ल्ड पोएट्री डे हर साल कब होता है, 19, 20, 21, 22 और 23 मार्च। क्या आंसर होगा,
पोइट्री डे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये हर साल कब होता है? 21st of March को होता है, ताकि जो भी बहुत मशहूर ऐसे पोइट थे उन्हें हम लोग क्या कर सकें, उन्हें हम लोग याद कर सकें। डेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? जब भी मैं तुम लोगों को कैपिटल मार्केट पढ़ाती हूँ तो शुरुआत में मैं तुम लोगों को यही बताती हूँ डेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो एक बार पढ़ लो वो पूरा चैप्टर, उसमें मैं बहुत क्लियर तुम लोगों को बताई हूँ। डेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा तरीका जिससे आप कर्ज ले रहे हो। इक्विटी का मतलब होता है कि अब आप कर्ज नहीं ले रहे हो, अपने वहाँ पे शेयर्स अलॉट कर दे रहे हो। इक्विटी यानी इक्वल शेयर्स दे दे रहे हो सभी को। एनीवे, देख लो भाई, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब होता है? अभी मैंने ये भी आपको बताया, हर साल वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हमारे वहाँ पर होता है 21st of March। वेरी गुड, तो इसका आंसर होगा 21st of March वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। नेक्स्ट होता है आपका 22 वाटर डे, फिर होता है आपका 23rd मेटेरोलॉजिकल डे, फिर होता है 24th टीबी डे, और फिर होता है 27th थिएटर डे। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सेल कर रही है कितना परसेंट स्टेक ONGC का अपने ऑफर फॉर सेल के थ्रू, ताकि वो 3000 करोड़ रेस कर सके। 1.5, 2.7, 3.2, 4.4, 5.8। देखो, अभी जो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू ये कितना परसेंटेज अपना स्टेक ONGC से सेल कर रहे हैं ताकि 3000 करोड़ रेस कर सके, कितना करने वाले हैं? 1.5%। तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1.5% स्टेक अपना सेल करने वाले हैं, जिससे हम 3000 करोड़ को रेज कर सकें फर्दर, ठीक है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है एक तरीके का इशू करना होता है शेयर्स, जिसमें कंपनी इशू करती है उसे इन जनरल कोई और बड़ी कंपनी आके या कोई और ऐसा शेयर ब्रोकर वगैरह आके खरीद कर अपने पास रख लेता है, ताकि कल को जैसे ही मार्केट में पोजीशन गेन कर रही है और इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, इसे हम मार्केट में फिर बेच दें जिससे उनका प्रॉफिट हो जाए। तो ऑफर फॉर सेल में इन जनरल ये करते हैं। एन बीरेन सिंह जी अभी अभी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं दूसरी बार। फिलहाल में गवर्नर कौन है मणिपुर के? बेबी रानी मौर्य, आनंदी बेन, ला गणेशन, नजमा हेपतुल्ला, बंदारू दत्तात्रेय। ओके, तो मणिपुर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सेकेंड टर्म में फिर किसको बना दिया गया मणिपुर के चीफ मिनिस्टर? एन बीरेन सिंह जी को। ओके, यहाँ पे आपके सुशील, तुम बहुत उसमें बहुत ही नाराज से लग रहे हो। ओके, क्या है तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है आपके गणेशन जी, ठीक है, मणिपुर के गवर्नर होते हैं। और इसके पहले जो है, देखिएगा किसकी बात हुई, एन बीरेन सिंह जी अभी क्या बनाए गए, चीफ मिनिस्टर बनाए गए, तो ये दूसरी बार बन गए हैं बैक टू पावर। सिंह वॉज अनएनिमसली इलेक्टेड एज लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ BJP ड्यूरिंग अ मीटिंग। Prior to entering politics, Singh was a footballer and also had a career in journalism. तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके पहले क्या थे। ऐसे एक बार पूछा गया था अरुण जेटली जी के ऊपर कि अरुण जेटली जी यूनियन मिनिस्टर बनने से पहले क्या थे, ऐसे सवाल बनते हैं कभी कभी, ठीक है। He had successfully contested his first election in 2002 from Hengang constituency. अगला देखो, 35th edition of Suraj Kund International Craft Mela has been recently inaugurated in which of the following state? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ओके, तो जैसे हम देख सकते हैं अभी 35th एडिशन हुआ है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का। कहाँ पर हुआ है? ये हरियाणा में हुआ है। इनिशियली ये आपका नेशनल लेवल पर होता था, लेकिन बाद में इसको 2013 से इंटरनेशनल लेवल पर कर दिया गया। जो फोकस स्टेट था इस बार का ये जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है। चलो अगला देख लो फिर, कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन अहमद की मृत्यु हुई है? पाकिस्तान, सऊदी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपनी स्पीड को बिल्कुल तेज रखते हैं, मगलेव ट्रेन की तरह भागा जाए। आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ के रह चुके हैं शहाबुद्दीन अहमद जी, इसके पहले कहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये, बेसिकली ये बांग्लादेश के थे, फिलहाल में अब्दुल हामिद जी हैं, ठीक है। बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? स्टेटहुड डे आप लोग कह लो। तो बिहार दिवस हर साल कब होता है? 22nd of March को होता है। ये फॉर्मेशन जो हुई थी बिहार की, जो कि कार्व आउट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में, उसको मार्क करता है। इस दिन पब्लिक हॉलीडे होते हैं जनरली, और जो इस बार का थीम था ये था जल जीवन हरियाली। किस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है? ये 50वीं बार हमने कर रखा है। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? ये आपका 22nd of March को होता है। 23rd को होता है मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है। 21st को फॉरेस्ट्री डे होता है, और 20th को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है। थीम क्या था इस बार का? थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक। फिर नेक्स्ट देखो, हाँ, WMT 22, 23, 24 से याद रख सकते हो।
इस बार किसे वुमेन सिंगल टाइटल ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का दिया गया? सोफिया केनिन, विक्टोरिया अजारेंका, नोजोमी ओकुहारा, कैरोलिना मरीन, अकाने यामागुची। तो ये किसको दिया गया इस बार? ये दिया गया है, देखो, विक्टर एक्सेलसन ऑफ डेनमार्क। इन्हें मेन सिंगल टाइटल दिया गया है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जिसमें इन्होंने डिफीट किया था लक्ष्य सेन को, जो कि भारतीय हैं। यामागुची अकेन जापान की हैं। इन्हें वुमेन सिंगल टाइटल दिया गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का। विनर्स देख लो आपके सामने है। खास बात यह है कि ये लोग कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये इन जनरल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखो, इनमें से किसे मेन सिंगल टाइटल दिया गया है? जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, हमने वुमेन का पहले पढ़ा था, यामागुची जी को मिला था। मेंस में किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर वेरेव, और ये सॉरी विक्टर एक्सेलसन, और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? फ्रॉम डेनमार्क, ठीक। हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन 2022 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसको दिया गया इस बार का, ठीक है। हाँ, ये दिया गया आपका इगा स्वाइटेक को। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इस बार का जो 2022 का बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसको कि 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहते हैं, ये इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर हुआ है। विनर कौन कौन थे? वुमेन सिंगल में आपकी इगा स्वाइटेक पोलैंड, मेन सिंगल टेलर फ्रिट्स यूएस, वुमेन डबल जू यिफान यांग जोजेन, मेन्स डबल जॉन आइनर जैक सॉक, ठीक। तो इन सभी को याद रखे रहो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसे फैसिलिटेट किया गया है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड एट 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस? अजीत पाल, प्रमोद भगत, आरिफ खान, रुपिंदर पाल सिंह और नीरज चोपड़ा। अगेन ये भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, मतलब रिलेटेड में एक दो बार कर रखा है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एंड सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू आर फेलिसिटेटेड विद स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल एंड फीमेल अवार्ड रिस्पेक्टिवली। Among the following has been appointed as ambassador to India by President of Nepal, Vidya Devi Bhandari, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है ना कि इस बार जो है किसको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू इंडिया बाय प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? ये किया गया है किसे? यप, शंकर प्रसाद शर्मा जी को किया गया है। और ये किसने अपॉइंट किया इन्हें? नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। इन्हें अपॉइंट किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन लाइन विद आर्टिकल 282 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। विश्व बैंक हैज अनाउंस टू लॉन्च स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट ऐप टू गिव अ डिजिटल पुश टू स्मॉल बिजनेस लोन्स। HDFC, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, ICICI और एक्सिस। ओके, तो जैसे आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कौन से बैंक ने अनाउंस किया कि ये लॉन्च करेगा स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप, जिससे कि एक डिजिटल पुश दिया जा सके स्मॉल बिजनेस लोन को। ये करने वाला आपका HDFC बैंक, ठीक है। सरदार बर्दिम हादव हैज बीन स्वॉन इन, बहुत ही भयानक नाम होता है जब भी मैं इनका नाम लेती हूँ, बर्दिम हामेडो, ठीक है। हैज बीन स्वॉन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऐसे आप लोग याद रखे रहो सरदार, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग वह देखेंगे सरदार बिहार मेडो बहुत भयानक नाम हो जाता है, तो सरदार से याद रखे रहो। कहाँ के ये बनाए गए अभी अभी प्रेसिडेंट? यप, ये बनाए गए हैं आपके टर्कमेनिस्तान के, ठीक है। और ये सक्सीड कर रहे हैं अपने फादर फॉर्मर प्रेसिडेंट गुर्गन गुली, फिर वही हो जाएगा बर्डी मुहामिडोव, ठीक है। ये इनको क्या करने वाले हैं? इनको ये सक्सीड करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इनके ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन, ये कौन सा एडिशन अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का इनॉग्रेट किए थे, इनके बीच में हुआ था? ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये कौन सा अभी इनके बीच में एडिशन हुआ था? ये सेकेंड था, लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में भी रहा था आपका जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखो, जैसे हम देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इनके ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट अभी अभी वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट किए थे। बेसिकली बहुत सारे रिलेशनशिप्स वगैरह को इन्होंने फोकस किया था, जो वर्चुअल समिट इन्होंने पहली बार आपस में किया था, ऐसे रिलेशनशिप्स को फोकस करके तमाम चीज़ों को ये की गई थी इनकी 4th of June 2020 को, ठीक है। प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्रीज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस टू बूस्ट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग? ऑस्ट्रेलिया, UK, इटली, स्पेन और USA। ओके, तो अब जैसे हम देख सकते हैं हमसे पूछा जा रहा है प्रसार भारती ने साइन किया है MOU किस कंट्री के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिससे ये कोऑपरेशन कर सके ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में? ये इन्होंने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है।
प्रमोद सावंत अभी चीफ मिनिस्टर बनाए गए गोवा के सेकेंड टर्म के लिए। फिलहाल में गवर्नर कौन है गोवा के, आपके सामने में ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जो अभी फिलहाल के गवर्नर हैं ये हैं श्रीधरन पिल्लई जी, जैसे आप देख सकते हो। प्रमोद सावंत जी अब दूसरी बार बना दिए गए हैं यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसके पहले भी थे, मनोहर पर्रिकर जी की डेथ के बाद से इन्हें बनाया गया था, और ये अभी सेकेंड टर्म यहाँ पे पाए हैं। फिलहाल में जो गवर्नर हैं ये हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। ओके चलो, इंडियन स्टेट्स हैंडमेड नरसिंगा पिट्टई नागेश्वरम गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अंडर कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्लास 15, ठीक है। तो ये कहाँ का, कौन से स्टेट का है ये पर्टिकुलर, जिससे कि GI टैग दिया गया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ऑप्शंस देखो, यप इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। Which state became the first state in the country to implement National E-Vidhan Application Program to become completely paperless? कौन से स्टेट ने नेवा आपने वहाँ पे लॉन्च किया है जिससे वो पूरी तरह से पेपरलेस बनने को कहा है, ये करने वाला है आपका? यप सबसे अच्छी बात है कि ये नागालैंड कर रहा है, जो कि बहुत लोगों को लगा होगा हो ही नहीं सकता, बट इन्होंने कहा है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करके और पूरी तरह से अब क्या होने वाले हैं, पेपरलेस होने वाले हैं। पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कहाँ पर ओपन किया गया है, ये आपका हाँ केरल में हुआ है। कम्प्लीटली पेपरलेस जाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ की है, दुबई की है। पहली बार कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली पेपरलेस हुई थी, शिमला की, सॉरी हिमाचल प्रदेश याद रखे रहो ऐसे। सोमेलियो बोबोये माइगा इनकी मृत्यु हुई है, ये कहाँ के पहले रह चुके प्राइम मिनिस्टर हैं? ऑप्शंस देखो, नाइजीरिया, माली, एरिट्रिया, सूडान और यमन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माली, ठीक है। हु हैज ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल्ड अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, जयंता घोषल, ऋचा मिश्रा, धीरेन्द्र झा, चंद्रचूर घोष या नवदीप सिंगल? तो अब जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है किसने ऑथर की एक नई किताब जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। ऑप्शंस आपके सामने में, इसका आंसर है ये, इसका आंसर होगा आपका ऋचा मिश्रा। इन्होंने अभी अभी ऑथर की अपनी नई किताब अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। सॉरी, वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर इन द वुमेन्स कैटेगरी एशली बार्टी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, फॉर विच कंट्री डिड शी प्ले, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, ठीक है। यप ये तो बहुत ही फेमस प्लेयर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, शी प्लेज फॉर ऑस्ट्रेलिया। इनकी ये जब 25 साल अभी अभी इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया अपना प्रोफेशनल टेनिस से, ठीक है। ये भी देखिएगा, इनका जो पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था ये 2019 फ्रेंच ओपन में था, जनवरी 2022 में ये पहली ऐसी होम प्लेयर बनी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस और सिंगल्स फाइनल 44 ईयर्स में जीती हूँ, ठीक है। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स डस्ट लिक, ठीक है। तो एक्सरसाइज डस्ट लिक इंडिया किसके साथ में ऑर्गेनाइज करती है, ये करती है आपकी ये आपका उज्बेकिस्तान के साथ में होता है। तो भारत और उज्बेकिस्तान मिल करके क्या करते हैं, एक्सरसाइज डस्ट लिक, और ये किया जा रहा है यांगियारिक उज्बेकिस्तान के अंदर 22 से 31 मार्च, अच्छा 31 तो कल हो भी गया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है एशिया का सबसे बड़ा इवेंट सिविल एविएशन पे, विंग्स इंडिया 2022। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद? ओके तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हैदराबाद। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है विंग्स इंडिया 2022। इसको कहा जा रहा था कि ये पूरे एशिया में सबसे बड़े लेवल पर एविएशन ऐसी कोई इवेंट हो रही है जिसके थ्रू इंडिया का जो भी फोकस है एविएशन सेक्टर को लेकर उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उस पर प्रॉपर डिस्कशन कर सकें। ये किया गया है आपका हैदराबाद के अंदर। थीम देख लेना, इंडिया एट 75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। कौन पहली पैरा एथलीट है जिन्होंने रिसीव किया है पद्म भूषण अवार्ड, मरियप्पा थंगावेलु, देवेंद्र चिचारिया, दीपा मलिक, पूजा जटियान, अवनी लिखारा? तो देखो जैसे आपसे पूछा जा रहा है पहली पैरा एथलीट जिसे पद्म भूषण अवार्ड दिया गया हो, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है देवेंद्र जजारिया। ये पहले ऐसा पैरा एथलीट है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। इन्हें काफ़ी सारे पैरालंपिक मेडल्स भी दिए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड एट 2004 पैरालंपिक इन एथेंस, 2016 रियो गेम्स में इनको दिया गया था, और सिल्वर मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में मिला था। तो ये याद रखिएगा जो जो इनके गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हैं। Who among the following has won 51st Pritzker Architecture Prize? ये आर्किटेक्ट का नोबल प्राइज कहा जाता है। इसका 51st वर्जन किसको दिया गया है, ये दिया गया है डिएबेटो फ्रांसिस कैरा को, 50th दिया गया था जीन फिलिप वेसल को। ओके कौन सी कंपनी ने अक्वायर किया है 100% स्टेक गिग इंडिया में, जो कि एक फ्रीलांस माइक्रो एंटरप्रेन्योर के लिए है, एक साइट की तरह वर्क करता है,
फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, भारत पे। ये करने वाला कौन है? ये करने वाला आपका है फोन पे। ठीक है, अभी भी फोन पे ने क्या किया है, अक्वायर किया है 100% स्टेक गिग इंडिया के अंदर। फोन पे किसके अंडर है? फ्लिपकार्ट के अंडर। फिश ट्रेडिंग ने क्या प्रोजेक्ट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंटेज पे? तो ये इन्होंने कितने पे की है? हाँ भाई, ये इन्होंने 8.5 पे करी है। मूडी ने कितनी करी है? मूडी ने 9.1 पे की है। फिश ने 8.5 पे की है। वर्ल्ड बैंक ने 8.3 पे की है। एनएसओ ने 8.9 पे की है। आरबीआई ने 9.5 पे की है। ये सब याद रखे रहना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस। कहाँ पे बेस्ड है ये? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मथुरा, मेरठ। तो ये कहाँ पर है? ये बेस्ड है आपका कानपुर के अंदर। अभी अभी इनका जो लाइसेंस था उसको कैंसिल कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ओके, जो बैंक है, कहा जा रहा था कि इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं था कि अपना बिजनेस ऐसे रन कर सके। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर 2021 रिलीज बाई नाइट फ्रैंक? 45, 49, 50, 51 और 55। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की क्या रैंक है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के अंदर, कितनी है इसकी रैंक? है 51st। ठीक है, तो इंडिया ने इम्प्रूव करी अपनी रैंक को 5 स्पॉट से, 51st पोजीशन पर आ चुकी है क्वार्टर फोर के लिए, जिसको रिलीज किया गया है नाइट फ्रैंक के द्वारा। पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो हमारी जो रैंक है वो कंपैरेटिवली इम्प्रूव होती दिखी है। टर्की जो है यहाँ पे हाईएस्ट एनुअल प्राइस ग्रोथ रेट है 59.6% से क्वार्टर फोर्थ के लिए, जैसे आप देख सकते हो। किस सिटी की रैंक है एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी किसको दिया गया है दूसरी बार लगातार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑब्वियसली ये कौन हो सकता है? ये हो सकता है आपका, यहाँ पे तुम लोग कन्फ्यूज कर रहे हो, ढाका वाले से तुम कन्फ्यूज कर रहे हो। आंसर होगा न्यू दिल्ली। ढाका आपका नॉइस पॉल्यूटेड सिटी था, नॉइस पॉल्यूटेड था ये, अगर याद हो तो। जो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है ये न्यू दिल्ली है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी सीएम बनाए गए हैं उत्तराखंड के दूसरी बार। कौन गवर्नर है यहाँ के? उत्तराखंड के गवर्नर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर होते हैं गुरमीत सिंह जी। ठीक है, कौन सा स्टेट पहला ऐसा स्टेट बना है भारत का जो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सिलेक्ट लोकेशंस में लेकर के आएगा फॉर बेटर सॉइल हेल्थ? कार्बन न्यूट्रल करने वाला पहला कौन सा ऐसा आपका स्टेट बना है? तो इन्होंने कहा है कि इनिशियली तो हम लोग कुछ जगह पर लेकर के आएंगे, लेकिन उसके बाद में जो भी हमारे वहाँ पे 140 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, हर जगह ले आएंगे। ऐसा करने वाला आपका केरल था। ये करने वाला केरल है। अगला देखो, किसने लिखी है द लिटिल बुक ऑफ जॉय? डेस्मोंड टुटू, तेंजिन ग्यात्सो, पेनपा सेरिंग, तेंजिन गैशे थेथोंग, ए एंड बी बोथ। इसका आंसर क्या है? फटाफट बताते चलो भाई। हाँ, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, डेस्मोंड टुटू और तेंजिन ग्यात्सो, दोनों ने लिखी है। ठीक है, फिर देखो, कौन सी कंपनी ने साइन किया है एक एग्रीमेंट स्पेस एक्स के साथ ताकि वो रिज्यूम कर सके अपना लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट का? स्टिंग फ्लाई, स्काई रूट, जिगलर, वन वेब और रिलायंस जियो। तो ये करने वाला कौन है आपका? ओके, ये करने वाला आपका वन वेब। वन वेब जो कि एक लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, ये आपकी, ये भारतीय इंटरप्राइजेस की होती है। ये आपकी एक अग्रीमेंट किया है स्पेस एक्स के साथ ताकि जो इनका लॉन्च ऑफ सेटेलाइट था इसको रिज्यूम कर सके। ठीक है, तो ये पहला लॉन्च होगा इनका स्पेस एक्स के साथ में 2022 का, और ये ऐड करेगी वन वेब की जो टोटल इन ऑर्बिट कॉन्स्टिलेशन है जो कि फिलहाल में 428 है। ठीक है, तो ये उसको और ज्यादा बढ़ाने की करेगी कोशिश। हाँ, वन वेब आपका एयरटेल का ही होता है। इंडियन आर्मी अग्निबास डिवीजन, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक जॉइंट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2 किस स्टेट के साथ में? ठीक है, तो सुरक्षा कवच 2 किस स्टेट की पुलिस के साथ में किया गया है? इसको किया गया है महाराष्ट्र की पुलिस के साथ में। ठीक है, क्या नाम है? इंडियन आर्मी की अग्निबास डिवीजन ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि चेयरमैनशिप की जा रही है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, इन्होंने अकॉर्ड किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल आर्म फोर्सेस के लिए। कितने रुपए की इसको एक्सेप्ट किया गया है? 5125-6006-7054-8357-9600। देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 8357 करोड़। ठीक है, तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जिसकी चेयरमैनशिप की जा रही है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, अकॉर्डेड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वर्थ रुपीज 8357 करोड़। ओके,
नेक्स्ट देख लो, हु हैज बीन इलेक्टेड एज फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग इन स्कॉटलैंड। ठीक है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग इन स्कॉटलैंड, इसके लिए फेलो अभी किसको इलेक्ट किया गया है? इसका आंसर है, इसका आंसर है किरण मजूमदार शाह, जो कि चेयरपर्सन होती है बायोकॉन की। इन्हें अभी अभी इलेक्ट किया गया है रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में एज अ फेलो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार शाह। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स हैज अवार्डेड एबल प्राइज फॉर ईयर 2022। जैसे एबल है, इसको कहा जाता है मैथ्स का नोबल प्राइज, तो ये 2022 के लिए किसको दिया गया है? दिया जाता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। किसको दिया गया है? ये दिया गया है डेनिस सुलिवन जी को। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, ये आपके अमेरिकन मैथमेटिशियन है डेनिस सुलिवन। ठीक है, इनको दिया गया इस बार का एबल प्राइज। Which bank has announced the launch of green deposit program for corporates clients, which will provide a simple way to the companies to support environmentally friendly project or avenues? ठीक है, तो कौन से बैंक ने अनाउंस किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को? ये किया गया किसके द्वारा? DBS बैंक के द्वारा। ठीक है, OECD ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का GDP ग्रोथ कितना। ये वही है, ये तो चेंज होता रहता है टाइम के साथ, हर क्वार्टर में चेंज होता है, तो आपके एग्जाम के पहले वाला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खैर, OECD ने कितना बताया? 8.1%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8.1%। विश बैंक हैज पार्टनर्ड विद IPL टीम चेन्नई सुपर किंग फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो चेन्नई सुपर किंग्स को कस्टमाइज करते हुए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने को कौन से बैंक ने कहा? ICICI ने कहा। इसका आंसर होगा ICICI बैंक। ओके, फिर देख लो अगला। SBI कार्ड ने पार्टनरशिप की है नेचर्स बास्केट के साथ में, ताकि एक गोमेट कार्ड लॉन्च करे। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है SBI कार्ड का? SBI का तो हम सभी लोग बताते हैं दिनेश कुमार खारा जी हैं। SBI कार्ड के कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं इन जनरल। ठीक है, तो ये आपके कौन है? ये है आपके रामा मोहन रॉय अमारा। हेड ऑफिस होता है पेमेंट कार्ड सर्विस का गुरुग्राम में, और एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1998 के अंदर। ठीक है, कौन सा बैंक ने इन्वेस्ट किया है 10 करोड़, जिससे वो 7.84% स्टेक अपना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में बढ़ा सके? HDFC, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, SBI और ऑल। हाँ, इसका आंसर होगा ऑल। ये सभी के सभी ONDC के अंदर अपना 7.84%, ये सब मिलके नहीं, सारे के सारे एक एक का 7.84% होगा। ठीक है, इसके लिए ये लोग इन्वेस्ट किए ताकि अपना अपना स्टेक बढ़ा सके इसके अंदर। कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया सुजलम 2.0 कैंपेन ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए? ठीक है, तो ग्रे वाटर वही डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है आपका, इसके लिए सुजलम 2.0 कैंपेन कौन लॉन्च करेगा? जब भी वाटर मैनेजमेंट की बात आती है, हमारा दिमाग अपने आप चलना चाहिए, कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कब लॉन्च हुई थी? 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है, ये टच किया था कितना बिलियन डॉलर पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर? 100 बिलियन, 200, 300, 400 और 500, क्या आंसर होगा? हाँ, तो जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, ये टच किया है कितना बिलियन डॉलर इन अ फाइनेंशियल ईयर? इसका आंसर हो जाएगा 400 बिलियन डॉलर। एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से बोला गया है कि जो इंडिया है, इंडिया का आपका इम्पोर्ट फिलहाल में, इंडिया इम्पोर्ट में 8th पर है, 2030 तक इंडिया 4th पर हो जाएगी, और 2050 तक इंडिया 3rd बिगेस्ट इम्पोर्टिंग नेशन बन जाएगी। ठीक है, चलो। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, कहाँ पर हेड ऑफिस होता है ब्रिक्स का? ऑप्शन देखो, न्यू दिल्ली, जकार्ता, मलेशिया, मंडालुंग या शंघाई। क्वेश्चन ये पूरा लिखा है क्या? हाँ चलो ठीक है। देखो, ब्रिक्स जो होता है, यहाँ पे आपकी 5 कंट्रीज होती हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो हेड ऑफिस होता है ये होता है शंघाई, चाइना के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेम द 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, तो 35th चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है? ये थे आपके RC लाहोती। फिलहाल में कौन है? फिलहाल में हमारे वहां पे NV रमन है, और जो NV रमन है ये 48th है, ये हमारे 48 CJ आई है। ठीक है, तो इनको जरा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो,
इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये हर साल 25 मार्च को मनता है, जिससे हम लोग एक तरीके से इन लोगों के बारे में जान सकें या थोड़ा अवेयरनेस किया जा सके, ऑनर कर सकें, रिमेम्बर कर सकें उन सभी को जो टेरिबल स्लेवरी सिस्टम के तहत जिनकी मौत हुई होगी। थीम क्या था, थीम देख लो, स्टोरीज ऑफ करेज, रेसिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड कब होता है हर साल? तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड होता है ये होता है 25, ये होता है वाटर डे, ये होता है फॉरेस्ट्री डे, ये होता है मेट्रोलॉजिकल डे, ये होता है टीबी डे। ठीक है, सॉरी। हु इज द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक टाइटल द शील्ड कोविशील्ड अनवील्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? ठीक है, तो किताब है द शील्ड कोविशील्ड, इसको किसने ऑथर की है? इसको लिखने वाले हैं आपके प्रकाश कुमार सिंह जी। ठीक है, सी द क्वेश्चन इज, अभी जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज 14 क्वेश्चंस हैं, उसे फटाफट अपन लोग देख लेते हैं, फिर हमारा ही पूरा सेशन एंड हो जाएगा और फिर मेरी 2 बजे से एक क्लास भी है तो उसको भी मुझे देखना होगा। ठीक है, तो कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिन्होंने पार्टनरशिप किया TCS के साथ में, जिससे वो एक वेब बेस्ड यूजर फ्रेंडली मास्टर कोर्स MTech इन इंडस्ट्रियल AI लॉन्च कर सके? ऑप्शंस आपके सामने हैं IIT दिल्ली, गुवाहाटी, बॉम्बे, रुड़की और मद्रास। ठीक है, तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट है किसने पार्टनरशिप किया TCS के साथ में, ये करने वाली आपकी मद्रास है, मद्रास IIT ने अभी पार्टनरशिप किया TCS के साथ ताकि वो उनके साथ में मिल करके इंडस्ट्रियल AI लॉन्च कर सके। कौन सी इंडियन नेवल शिप मरीन इंजीनियरिंग सेंटर को अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट के तहत? पहली बार किसी बेसिकली ये एक नेवल स्टेशन आप लोग कह लो है जिसको कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर रखा गया है, ये कौन है? ये आपकी INS शिवाजी। ओके, कौन से बैंक को बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर विनर अवार्ड दिया गया है एसोचैम के द्वारा? करूर व्यास्य, साउथ इंडियन, कोटक महिंद्रा, पंजाब और कर्नाटका। तो ये किसको दिया गया है? हाँ, ये आपके कर्नाटका बैंक को दिया गया है बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, जो 8th एडिशन हुआ था एसोचैम का उसमें दिया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक? ठीक है, तो जो आपका कैथोलिक सीरियन बैंक होता है यहाँ के इंटरिम MD CEO कौन बनाए गए हैं? ये प्रलय मुंडल जी को बनाया गया है। ठीक है, ये तब से खाली थी जब से CVR राजेंद्रन जी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, उसके बाद से ये खाली हो जा रही थी। ठीक है, तो अभी इनको बना दिया गया है। कौन सा पेमेंट बैंक अग्रीमेंट किया है ICICI लोम्बार्ड के साथ ताकि स्मार्टफोन इंश्योरेंस प्रोवाइड करे? तो ये करने वाला कौन सा बैंक था? ये करने वाला है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। यहाँ पे स्मार्टफोन इंश्योरेंस दिया जाएगा 10,000 से लेकर के 1,00,000, जिससे लोग चाहें तो अपने फोन की इंश्योरेंस करा सकते हैं। RBI ने अप्रूव किया है SBI म्यूचुअल फंड लिमिटेड और बाकी SBI ग्रुप्स को कि ये 9.99% तक इक्विटी कैपिटल किस बैंक के अंदर बढ़ा सकती हैं। अभी भी मैंने आपको बताया ये कहाँ बढ़ा सकती हैं, ये अपना ICICI के अंदर बढ़ा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ICICI बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी चेयरमैनशिप कर रहे हैं PM नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस रॉ जूट का 250 से, ठीक है, अब बढ़ा करके कितना रुपए पर कुंटल कर दिया गया है इसको 2022-23 की सीजन के लिए? देखो, पहले आपको 4500 था लेकिन अब इसको 250 से बढ़ा करके 4750 पर क्विंटल कर दिया गया है इस बार के सीजन के लिए। MSP क्या होता है? वो मिनिमम प्राइस जिस पे कि इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकेंगे। ठीक है, या आप लोग कह सकते हो कि जितना भी है प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें कम से कम इतना और बढ़ा करके उसको मार्केट में बेचा जाएगा, इसलिए MSP लाया जाता है। ठीक है, कौन से स्टेट की टूरिज्म डिपार्टमेंट माया चैटबोट लॉन्च की है जो कि टूरिस्ट को असिस्ट करने वाली है 24 घंटे सातों दिन? तमिलनाडु, गुजरात, असम, झारखंड, केरल। तो ये करने वाली कौन सी स्टेट है? केरल। केरल ने इसको लॉन्च करने को कहा है। योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का CM बनाया गया है, फिलहाल में कौन यहाँ पे गवर्नर है? तो UP के अभी CM बनाए दूसरे बार आपके योगी आदित्यनाथ जी, पहले कौन थे? हाँ, पहले CM का नाम बताओ, ये मैं अपने सेशन में तुम लोगों को कई बार बताई हूँ, गोविंद बल्लभ कुछ याद आए तो बताओ। खैर, तो ये जो आपके अभी फिलहाल में गवर्नर हैं ये हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और इनका जो इलेक्शन था ये गोरखपुर अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, इसको भी ध्यान रखे रहना। कौन सा स्टेट पहला स्टेट है जिन्होंने डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस लॉन्च किया है जिससे कि लैंड ओनरशिप को ट्रैक किया जा सके? जैसे अभी हमने दिशांक ऐप के बारे में पढ़ा, कर्नाटका ने किया। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस? इसको लॉन्च करने वाला बिहार है। बेसिकली जो लीगल लैंड डिस्प्यूट होता है उसको कम किया जा सके, इसलिए ये सारे स्टेट्स ऐसे लेकर के आ रहे हैं। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो है, अभी इसके क्रिएटर की डेथ हुई थी, कौन थे इनके क्रिएटर?
इनके क्रिएटर थे स्टीफन विलहाइट, ठीक है। अभी अभी इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। इन्होंने ही क्रिएट किया था GIF, जो हम लोग इतना यूज करते हैं, जिसके मदद से हम लोग कितने लोगों को हंसा पाते हैं। किस दिन वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, तो ये हर साल आपका 27th of March को ऑब्जर्व करते हैं। द आंसर विल बी 27th of March, याद रखे रहना। 1962 से वर्ल्ड थिएटर डे को ITI सेंटर सेलिब्रेट कर रहा है। किस दिन नेशनल डॉल्फिन डे होता है, ठीक है, मतलब किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 2022 के अंदर। ऑप्शंस देखो, 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर, ये है, ठीक है। तो देखो, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट ने कहा है कि 5th अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा 2022 से। इस डे के थ्रू हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे डॉल्फिन्स को लेकर के, ठीक है। हर साल जो अर्थ आ रहे हैं ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड कब, लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेंसडे, ठीक है। तो हर साल इसको कब हम लोग अपने वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, हर साल इसे लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च करते हैं अर्थ आर। ये ऑब्जर्व किया जाता है पूरे विश्व भर में ताकि सपोर्ट शो किया जा सके क्लाइमेट चेंज में। लोग जनरली लाइट्स वगैरह को ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आज का सेशन था, फाइनली वी हैव डन इट, एंड थैंक्स पीपल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन बाइंग कोर्स, यू कैन यूज दिस कोड सुष्मिता। राइट नाउ देयर इज ऑल्सो दिस ऑफर गोइंग ऑन। तो अगर आप लोग अभी 1st से लेकर के 4th अप्रैल में खरीदते हो तो आपको डबल वैलिडिटी और 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है, ठीक है। सो आई होप यू पीपल enjoyed the session. Thanks everyone again. Have a great day. Take care. Bye-bye. And you can join me again on my 10 PM class. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat. God bless you all. And happy new year for the financial year. Goodbye, people.